प्रेम रतन धन पायो 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो सूरज बड़जातिया द्वारा लिखित और निर्देशित है राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं नील नितिन मुकेश अनुपम खेर स्वरा भास्कर दीपक डोबरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिकाएँ निभाते हैं यह उनकी पिछली फिल्मों मैंने प्यार किया हम आपके हैं कौन के बाद बढ़ जाते हैं और खान के बीच चौथा सहयोग है उन्नीस सौ चौरानवे और हम साथ साथ हैं और यह सावरिया के बाद खान और कपूर के बीच दूसरा सहयोग है यह फिल्म दिवाली सीज़न के दौरान 12 नवंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी दुनिया भर में चार करोड़ की कमाई के साथ यह 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और चौंतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर 2012 की दक्षिण कोरियाई फिल्म मास्क रेड से प्रेरित है जो स्वयं एंथनी होप के अठारह के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित थी कथानक युवराज विजय सिंह सलमान खान जो कि प्रीतमपुर के युवराज हैं जल्द ही राजा बनने वाले हैं उनकी सगाई पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी सोनम कपूर से हुई है लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय को मैथिली और उसके भाई बहनों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी अमीर सौतेली बहनें राजकुमारी चंद्रिका स्वरा भास्कर और राजकुमारी राधिका आशिका भाटिया शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती है और चंद्रिका एक नगर पालिका स्कूल में लेखा प्रमुख के रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है शाही संपत्ति में हिस्सा क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी माँ एक कवि और बाद में दिवंगत राजा की रखेल के साथ रानी ने अन्याय किया था जब उसने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया था इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली जो स्कूल के समय में सबसे अच्छी दोस्त थी विजय के साथ उसकी सगाई के कारण उनकी दोस्ती टूट गई इसी तरह उनके सोतेले भाई युवराज अजय सिंह नील नितिन मुकेश प्रतिशोध की कसम खाते हैं और उन्हें मारकर ताज अपने लिए लेना चाहते हैं वे अपने प्रबंधक चिराग सिंह अरमान कोहली और विजय की सचिव समीरा समायरा राव की मदद लेता है चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है विजय ब मुश्किल अजय और चिराग द्वारा बनाई गई हत्या की योजना से बच जाता है लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है वह दो डॉक्टरों द्वारा बनाए गए एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है इस बीच विजय के हम शकल प्रेमी रघुवंशी उर्फ प्रेम दिलवाले सलमान खान एक प्रेम गुरु एक दिलैर जीवंत और लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है अपने दोस्त कन्हैया दीपक डोबरियाल के साथ उससे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुँचता है एक बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय दीपराज राणा ने उसे संयोग से देखा और उसे दीवान साहब अनुपम खेर के पास ले गया प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्यजनक समानता देखकर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा जबकि युवराज कोमा से ठीक हो गया प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव के साथ मैथिली को प्रभावित करता है जो पहले विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहती थी और अनजाने में प्रेम के प्यार में पड़ जाती है प्रेम विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ मेल मिलाप करने का भी प्रयास करता है और शाही परिवार की सारी संपत्ति उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है उसकी सोतेली बहनें इस भाव से इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि मैथिली के थोड़े से दबाव से अंततः उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे राजकुमार को उसके भाग्य से वंचित करने और उसकी बहनों के रूप में उसके साथ मेल मिलाप करने से इनकार कर देती हैं इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है और इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं चिराग ने अजय को धोखा देने का फैसला किया क्योंकि उसने विजय को मुक्त कर दिया और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी दी विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जब प्रेम और कन्हैया कर हस्तक्षेप करते हैं और भ्रम को दूर करते हैं चिराग उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गिर कर मर जाता है अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उससे सुलह कर लेता है प्रेम के युवराज विजय ने ना होने की सच्चाई जानकर मैथिली हैरान हो जाती है जब प्रेम अपने घर वापस चला जाता है और उसका दिल टूट जाता है अंत में शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वे कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेते हैं उत्पादन विकास जून 2013 में सलमान खान और सूरज भड़जातिया द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम जनवरी 2014 से होकर जून 2014 तक चला इसका नाम बड़े भैया था और बाद में से प्रसिद्ध हिंदू भजन से प्रेरित होकर प्रेम रतन धन पायो में बदल दिया गया मेरा भाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हिमेश रेशम या भी मणिकंदन और संजय सांकला ने फिल्म में संगीतकार छायाकार और संपादक की भूमिका निभाई डलाई यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें प्रारंभ में अनुष्का शर्मा सोनाक्षी सिन्हा करीना कपूर डेजी शाह और दीपिका पादुकोण के प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाने की अफवाह थी और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया अंततः सोनम कपूर को इस फिल्म में एक प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया और उन्होंने 2007 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म सांवरिया के बाद खान के साथ अपनी दूसरी फिल्म की नील नितिन मुकेश अनुपम खेर अरमान कोहली दीपक डोबरियाल समायरा राव और स्वरा भास्कर को सहायक किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था अमृता राव को खान की सौतेली बहन की भूमिका निभाने के लिए माना गया और उनकी भूमिका भास्कर को मिली इससे पहले राव ने विवाह में अभिनय किया था फिल्माने हज़ार दिनों की तैयारी के बाद 26 जून 2014 को फिल्मांकन शुरू हुआ और दो सौ दिनों की शूटिंग के बाद दो सितंबर 2015 को पूरा हुआ इसकी शूटिंग राजकोट गोंडल को उदयपुर अथीरापल्ली फॉल्स और मुंबई में की गई थी इसे पूरे भारत में कई असाधारण स्थानों पर शूट किया गया था भव्य सेट से लेकर विस्तृत वेशभूषा तक प्रेम रतन धन पायो निसंदेह सभी दर्शकों के लिए एक आनंददायक दृश्य था फिल्म के निर्माताओं ने लार्जर देन लाइफ शीर्षक से फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म में प्रीतमपुर का शाही महल अब तक बने सबसे बड़े सेटों में से एक है जो फैल गया था लगभग एक लाख वर्ग फुट फिल्म के प्रत्येक अभिनेता को प्रत्येक शॉट के भव्य होने के साथ फिल्म के भव्य पैमाने के बारे में बोलते हुए भी सुना जाता है प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई ने कहा कि हर तत्व में जान डालने की कोशिश की गई है मुक्त करना प्रेम रतन धन पायो को तमिल में मीम पा रहे पारयो देखे मैंने खुद को खो दिया है और तेलुगु में प्रेम लीला लव गेम्स के रूप में डबो रिलीज किया गया था आलोचनात्मक स्वकारता इस लेख में बहुत अधिक या अत्यधिक लंबे उद्धरण है कृपया उद्धरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायता करें सीधे उदाहरणों को विकी सुक्ति या अंशों को विकी सोर्स पर स्थानांतरित करने पर विचार करें बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को पाँच में से साढ़े चार देते हुए कहा कि कुल मिलाकर पीआरडीपी पूरे परिवार के लिए दिवाली के लिए एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है फिल्म को प्रचुर प्यार प्रेम मिलेगा जबकि इसके निवेशकों को फायदा होगा धन इसे सभी संबंधित लोगों के लिए एक यादगार दिवाली बनाना टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजना मित्रा दास ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि पी आर डी पी सलमान खान की जीत है और वह सिनेमाघरों में दोहरी भूमिका के साथ धूम मचा देते हैं जो आपको हंसाता है हाफता है आ भरता है रुलाता है उन्होंने सोनम कपूर दीपक डोबरियाल आशिका भाटिया और स्वरा भास्कर के अभिनय की भी सराहना की सिपीकी सोनिया चोपड़ा ने पाँच में से तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म में खामियां हैं लेकिन अभिनेता सलमान खान की दोहरी भूमिका के साथ फिल्म निश्चित रूप से पारिवारिक दर्शकों के बीच सही जगह पहुंचेगी। सी एन एन आई बी के राजीव मसन ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारों की रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक ने उसी सफल फार्मूले का इस्तेमाल किया है जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में आजमाया था लेकिन अब रूपों में जंग लग गई है भावनाएँ है शायद ही कभी वास्तविक लगती है और लेखन पूरी तरह सतह स्तर का है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म की एकमात्र बचत सलमान खान की उपस्थिति है जो अच्छे फॉर्म में है इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की कम रेटिंग दी इसे रामायण और इसकी लाखों कहानियों की पुनर्कल्पना कहा इसकी आलोचना करते हुए से निर्देशक की पिछली फिल्मों की पुरानी अतिरंजित पुनरावृत्ति कहा जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने फिल्म को केवल पाँच में से दो स्टार दिए इसे सीधे अस्सी के दशक की फिल्म कहा जो निर्देशक के उसी फार्मूले को दोहराती है लेकिन संगीत निर्देशक हिमेश रेशमी और मुख्य अभिनेता सलमान खान की सराहना करते हुए इसे काफ़ी पसंद करने योग्य बताया और उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहतर हो गई फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम ने फिल्म को अधूरी बेजान कम बुद्धि वाली फिल्म के रूप में बताया जिसमें किशोर हास्य और पारिवारिक राजनीति है जो अब हिंदी फिक्शन टीवी पर चलने वाले सबसे सस्ते सास बहु धारावाहिकों की परिस्थितियों से मिलती जुलती है और उन कुछ गुणों का भी अभाव है जो उसके पहले के उपकरणों को सहनीय बनाते थे रेडियो डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को पाँच में से ढाई स्टार रेटिंग देते हुए कहा पीआरडीपी भाई बहन के स्नेह पारिवारिक मूल्य और शर्मीले प्रेमलाप पर अपनी मान्यताओं पर कायम है और इस पर जोर देने के लिए एक लंबा रास्ता अपनाता है बॉक्स ऑफिस भारत प्रेम रतन धन पायो ने अपने शुरुआती दिन में चालीस करोड़ यूएस डॉलर पाँच पॉइंट एक मिलियन की कमाई की और बजरंगी भाईजान के पहले के रिकॉर्ड को तोड़कर साल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई यह हैप्पी न्यू ईयर के बाद एक ही दिन में चालीस करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी सिनेमा की दूसरी फिल्म है पहले दिन फिल्म का सकल संग्रह पचपन पॉइंट जीरो तीन करोड़ था जो भारत में सबसे अधिक है अपने दूसरे दिन फिल्म के व्यवसाय में पच्चीस प्रतिशत की गिरावट देखी गई क्योंकि इसने इकत्तीस पॉइंट जीरो पाँच करोड़ यूएस डॉलर तीन पॉइंट नौ मिलियन का शुद्ध संग्रह किया जो अब तक का सबसे अधिक अवकाश वाला दूसरा दिन था फिल्म ने अपने तीसरे दिन तीस पॉइंट जीरो सात करोड़ यू एस डॉलर तीन पॉइंट आठ मिलियन की कमाई की जो अब तक का सबसे अधिक गैर अवकाश वाला तीसरा दिन है जिससे इसकी तीन दिन की कुल कमाई एक सौ एक पॉइंट सैंतालीस करोड़ हो गई यह फिल्म लगातार तीन दिनों में सौ करोड़ यू एस डॉलर तेरह मिलियन से अधिक की कुल कमाई की जिससे इसके विस्तारित शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई एक सौ उनतीस पॉइंट सतहत्तर करोड़ यू एस डॉलर सोलह मिलियन हो गई जो किसी हिंदी फिल्म के लिए चार दिनों में सबसे अधिक कमाई है बजरंगी भाईजान और धूम तीन के पिछले रिकॉर्ड फिल्म ने अपने पाँचवें दिन में गिरावट दर्ज की और तेरह पॉइंट बासठ करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने छठे दिन फिल्म ने बारह पॉइंट जीरो चार करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिससे छः दिन की कुल कमाई एक सौ पचपन पॉइंट तैतालीस करोड़ हो गई और लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ कर यह वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी कमाई बन गई तनु वैट्स मनु फिल्म ने अपने सातवें दिन दस पॉइंट जीरो टू करोड़ की कमाई की जिससे उसकी सात दिन की कुल कमाई एक सौ पैंसठ पॉइंट पैंतालीस करोड़ हो गई और इसने केकुर चेन्नई एक्सप्रेस के पहले सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार और शनिवार को क्रमशः पाँच करोड़ छः करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने दूसरे रविवार को फिल्म ने एट पॉइंट टू जीरो करोड़ की कुल कमाई की जिससे दूसरे सप्तान की बात की कुल कमाई एक सौ तिरानवे पॉइंट बाईस करोड़ यूएस डॉलर चौबीस मिलियन हो गई फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार को कुल एक सौ एक पॉइंट बावन करोड़ का कलेक्शन किया और इस तरह सलमान खान की दूसरी फिल्म बचरंगी भाईजान के बाद दो सौ करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली साल की दूसरी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताह में तीन पॉइंट दस करोड़ यूएस डॉलर तीन लाख नब्बे हजार की कमाई की जिससे इसकी कुल कमाई दो सौ छः पॉइंट तिरसठ करोड़ यूएस डॉलर छब्बीस मिलियन हो गई प्रवासी फ़िल्म ने विदेशों में अपने पहले दिन एक पॉइंट छः मिलियन डॉलर दस पॉइंट बासठ करोड़ की कमाई की फ़िल्म की दो दिनों की कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट सत्तासी मिलियन थी फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अपने पहले चार दिनों में डॉलर एट पॉइंट नौ मिलियन की कमाई की प्रेम रतन धन पायो से एकल एक प्रेम लीला रिलीज सात अक्टूबर दो हज़ार पंद्रह फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज़ को सत्रह करोड़ में बेचे गए जिससे उस समय बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सबसे महंगा संगीत अधिकार सौदा बन गया प्रेम रतन धन पायो का पूरा संगीत एल्बम दस अक्टूबर दो हजार पंद्रह को जारी किया गया था संजय चौधरी ने मूल पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया था जबकि रेशमिया को उनके गीतों पर थीम आधारित स्कोर के लिए श्रेय दिया गया था सभी गीत इरशाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है अहमियता भरा जवाब डॉट कॉम की समीक्षक एलिना कपूर ने एल्बम को पाँच में से साढ़े तीन स्टार देते हुए कहा कि प्रेम रतन धन पायो का संगीत अच्छा है इसमें एक मजबूत पारंपरिक स्वाद है एक पारिवारिक एहसास है और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म निर्माता ने आदेश दिया था बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पाँच में से साढ़े चार अंक दिए और कहा कि हिमेश रेशमिया ने अपने संगीत करियर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और साउंड ट्रैक उन भारी उम्मीदों से अधिक है जो इससे थी उन्होंने एल्बम को शानदार बताया और इरशाद कामिल के गीतों की सराहना की टाइम्स ऑफ इंडिया के काश्मीन फर्नाडेज ने एल्बम को पाँच में से चार दी और सराहना की कि फिल्म का संगीत सुखद है और उन्नीस के दशक के उल्लासपूर्ण गीतों की याद दिलाता है हालांकि उन्हें इरशाद कामिल के गीत बहुत पसंद आए समीक्षक आर एम विजयकर ने इंडिया वेस्ट के लिए अपनी समीक्षा में साउंड ट्रैक को पाँच में से साढ़े तीन अंक दिए उन्होंने संक्षेप में कहा कि आज की भ्रष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ गहरी और समृद्ध भारतीय धुन अच्छी कविता और विषयगत तत्वता प्रदान करने में साहस और दृढ़ विश्वास के लिए यह स्कोर होसनस का हकदार है उन्होंने यह भी बताया कि एल्बम बिल्कुल शुद्ध है जिसमें कोई कठिन शब्द पश्चिमी बीट्स रैप और कई संगीत निर्माता नहीं है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपनी आलोचनात्मक समीक्षा में विपिन नायर ने एल्बम को दस में से साढ़े छः अंक दिए उन्होंने कहा कि यह एल्बम नब्बे के दशक की बॉलीवुड धुनों को पसंद करने वाले लोगों के बीच हिट हो सकता है हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह थोड़ा पुराना है कोईमोई डॉट कॉम के लिए सुरभि रेडकर ने एल्बम को पाँच में से दो सितारों की कम रेटिंग देते हुए कहा कि साउंड ट्रैक दृश्यों के साथ बेहतर हो सकता है दोहरी भूमिका जिसे दोहरी भूमिका के रूप में भी जाना जाता है का तात्पर्य एक अभिनेता द्वारा एक ही प्रोडक्शन में दो भूमिकाएं निभाने से है दोहरी भूमिकाएं या एक अभिनेता के लिए बड़ी संख्या में भूमिकाएं जानबूझकर एक स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है या इसके बजाय उत्पादन के दौरान चुना गया विकल्प हो सकता है अक्सर कम बजट के कारण फिल्म और टेलीविजन में दोहरी भूमिकाओं का, का उपयोग अक्सर हास्य प्रभाव के लिए या समान जुड़वा बच्चों या रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए किया जाता है किसी नाट्य प्रस्तुति में जहाँ एक से अधिक अभिनेता कई किरदार निभाते हैं उसे कभी कभी आयरन मैन कलाकार के रूप में जाना जाता है रंगमंच थिएटर में कई भूमिकाओं का उपयोग बजट संबंधित हो सकता है इसका उद्देश्य कुशल अभिनेता को अधिक मंच समय या अधिक चुनौती देना हो सकता है या कहानी के लिए विषयगत महत्व हो सकता है ऐसे निर्णय की ओर ले जाने वाले कारकों का संयोजन अक्सर अज्ञात रह जाता है उदाहरण के लिए विलियम शेक्सपियर की दोहरी भूमिकाओं के उपयोग के महत्व पर बहस मौजूद है जिसमें एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि क्या किंग लियर में कॉर्डेलिया और फूल के पात्रों का इरादा एक ही था या क्या रहस्यमय तीसरा हत्यारा था मैकबैथ वास्तव में स्वयं मैकबैथ है टॉम स्टॉपर जैसे बेतुके लोगों के कार्यों में एक ही अभिनेता द्वारा निभाए गए पात्र अक्सर विषयगत महत्व होते हैं संगीत में हैमिल्टन में चार अभिनेताओं अभिनेत्रियों को दोहरी भूमिकाओं में रखा गया है प्रत्येक एक प्रमुख सहायक चरित्र है पहले और दूसरे अभिनय के बीच भूमिकाओं में बदलाव होता है जॉन लॉरेंस फिलिप हैमिल्टन लॉफा थॉमस जैफरसन और हरक्यूलिस मुलिगन जेम्स मेडिसन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शुरुआती गीत अलेक्जेंडर हैमिल्टन में एक जैसी सफ़ेद पोशाक पहनते हैं और उन्हें जानबूझकर दोहरे अर्थ वाली पंक्तियां दी गई थी जो उनके दोहरे अर्थ में फिट बैठती हैं द ज्यूरी ऑफ फैट दो हज़ार में मॉबल टेलीफेरों ने जुड़वा भाई और बहन की भूमिका निभाई है जहाँ भाई के मारे जाने के बाद बहन उसकी जगह लेती है फिल्म यह भी देखें उन अभिनेताओं की सूची जिन्होंने एक ही फिल्म में कई भूमिकाएं निभाई हैं ली मार्विन ने कैट उन्नीस सौ में दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार जीता एडेप्टन दो हजार दो में दोहरी भूमिका के लिए निकोलस केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंजल ओवन उन्नीस सौ चौंसठ में तेरी भूमिका के लिए पीटर सैलर्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था कुछ कम बजट की फिल्मों में पैसे बचाने के लिए अभिनेताओं को एक से अधिक भूमिकाओं में लिया गया तमिल अभिनेता कमल हासन पंद्रह से अधिक फिल्मों में कई भूमिकाओं में आ गए और अजीत कुमार ने सात फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं एकाधिक कास्टिंग में अक्सर एक ही परिवार के कई सदस्यों के रूप में एक अभिनेता की कास्टिंग शामिल होती है फिल्म निर्माता गोविंद निलानी के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्म में जीवित डबल होना अपने आप में लगभग एक शैली बन गया राम और श्याम में दिलीप कुमार ने दो भाइयों की भूमिका निभाई जो अपने जन्म के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं सीता और गीता इस कथानक उपकरण के एक महिला संस्करण का उपयोग करती है जिसमें हेमा मालिनी ने दो अलग बहनों के रूप में अभिनय किया शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र शर्मा ने दोहरी भूमिका निभाई थी एंथिरन दो में जो उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी रजनीकांत ने दोहरी भूमिका निभाई है जिसमें दो मुख्य पात्र एक वैज्ञानिक और उनके द्वारा बनाया गया है रोबोट शामिल हैं टेलीविजन में सोप ओपेरा आमतौर पर इस तकनीक का उपयोग या तो जुड़वा बच्चों या यहाँ तक कि समान दिखने वाले रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए करते हैं या किसी ऐसे अभिनेता को वापस लाने के लिए करते हैं जिसका चरित्र मारा गया है उदाहरण के तौर पर डैनिस क्रॉसबी के चरित्र ताशा यार को स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन के पहले सीजन में मार दिया गया था और तीसरे सीज़न में क्रॉसबी को वापस लाने के लिए एक और चरित्र बनाया गया सोनम कपूर आहूजा जन्म नौ जून उन्नीस सौ एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2012 से 2016 तक वह अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर फोबर्स इंडिया की सेलिब्रिटी शो सूची में शामिल हुई अभिनेता अनिल कपूर की बेटी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म निर्माता संजय लीला बंसाली की 2005 की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बंसाली की रोमांटिक ड्रामा सांवरिया 2007 से की जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज 2010 से उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता भी मिली इसके बाद व्यावसायिक असफलताओं और दोहराव वाली भूमिकाओं की एक श्रृंखला आई जिससे उन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली 2013 की बॉक्स ऑफिस हिट रंजना ने कपूर के करियर में एक महत्वपूर्ण तो मोड ला दिया जिससे उन्हें कई पुरस्कार समारोहों में प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला कपूर को उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएँ बायोपिक्स भाग मिल्खा भाग 2013 और संजू 2018 में सहायक भूमिकाएं और रोमांस प्रेम रतन धन पायो दो में प्रमुख भूमिका के साथ मिली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में अंतिम दो स्थान पर है 2016 की जीवनी थ्रिलर फिल्म नीरजा में नीरजा भनोट के उनके प्रशंसित किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और इसके बाद उन्होंने दो की महिला मित्र फिल्म वीरे दी वेडिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाई ये दोनों सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में शुमार है इसके बाद दो महिला प्रधान फिल्मों को खराब प्रतिक्रिया मिली और एक अंतराल आया कपूर स्तन कैंसर और एलजीबीटी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का समर्थन करते हैं मीडिया में अपने मुखर व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली उन्हें अक्सर भारत की सबसे फैशनेबल हस्तियों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है उन्होंने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है जिनसे उनका एक बेटा है प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि सोनम कपूर और उनके पिता अनिल कपूर कैमरे के, के लिए पोज देते हुए 2011 में मुंबई में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कपूर अपने पिता अनिल कपूर के साथ कपूर का जन्म नौ जून उन्नीस को चेंबूर बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था उनके पिता अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर हैं जो दिवंगत फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के बेटे और अनिल कपूर फिल्म्स के संस्थापक हैं उनकी मां सुनीता एक पूर्व मॉडल और डिज़ाइनर है कपूर के दो छोटे भाई बहन हैं फिल्म निर्माता रिया और भाई हर्षवर्धन वह फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता संजय कपूर की भतीजी है अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शोरी बोनी की पत्नियाँ उनकी मौसी थी कपूर के चचेरे भाई अभिनेता अर्जुन कपूर जानवी कपूर खुशी कपूर और मोहित मारवाए और वामा के दूसरे चचेरे भाई अभिनेता रणवीर सिंह हैं जब कपूर एक महीने के थे तब परिवार जुहू के उपनगर में चला गया उनकी शिक्षा जुहू के आर्य विद्या मंदिर स्कूल में हुई जहाँ उन्होंने एक शरारती और लापरवाह बच्ची होने की बात कबूल की जो लड़कों की धमकाती थी उन्होंने रूबी और बास्केटबॉल जैसे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कथक शास्त्रीय संगीत और लैटिन नृत्य में प्रशिक्षण लिया कपूर जो हिंदू धर्म का पालन करती है कहती हैं कि वह काफ़ी धार्मिक और यह खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि मुझे इसके लिए आभारी होने की ज़रूरत है कपूर की पहली नौकरी पंद्रह साल की उम्र में वैट्रिस के रूप में थी हालांकि यह केवल एक सप्ताह तक चली एक किशोरी के रूप में अपने वजन से जूझती थी मुझे वजन से संबंधित हर समस्या थी जो मुझे हो सकती थी मैं अस्वस्थ थी मेरी त्वचा तो अच्छा खराब थी और मेरे चेहरे पर बाल उगाए थे कपूर को इंसुलिन प्रतिरोध और पॉलिस्टिकिम ग्रंथी रोग का पता चला था और तब से उन्होंने मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की कपूर ने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए सिंगापुर में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने थिएटर और कला का अध्ययन भी किया जीवन और पेशा प्रारंभिक कार्य और संघर्ष दो तो से दो ब्लैक के निर्माण के दौरान कपूर को अभिनय में रुचि तब विकसित हुई जब बंसाली ने कहा कि वह उन्हें अपनी अगली फिल्म सावरिया में मुख्य भूमिका में लेना चाहते हैं उसे वजन कम करने की सलाह दी गई उस समय उसका वजन लगभग 80 किलोग्राम 180 पाउंड था अपने ऊपर बंसाली के विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने दो वर्षों में 35 किलोग्राम 77 पाउंड वज़न कम किया कपूर में रोशन तनेजा जयती भाटिया और फिरोज अब्बास खान के साथ अभिनय का अध्ययन किया और उन्होंने अभिनेत्री वहीदा रहमान और नूतन को प्रभाव के रूप में उद्धृत किया उनकी पद प्रदर्शक फिल्मों की प्रशंसा की सलमान खान सोनम कपूर रणबीर कपूर और रानी मुखर्जी स्टेज पर खड़े हैं 2007 में अपनी पहली फिल्म सावरिया के ऑडियो लॉन्च पर कर रणबीर कपूर रानी मुखर्जी और सलमान खान के साथ कपूर 2007 में रिलीज़ हुई सावरिया में कपूर ने एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाई जो मुखर्जी रणबीर कपूर और सलमान खान के साथ अपने प्रेमी की वापसी का इंतज़ार कर रही थी यह हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली भारतीय फीचर फिल्म थी सावरिया एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता साबित हुई बीबीसी के लिए लिखते हुए जसप्रीत पंडोहर ने फिल्म को बड़े पैमाने पर मिसफायर कहा रेडिव डॉट कॉम के राजा सेन ने उसकी हंसी को लगभग उसके पिता की तरह ही संक्रामक बताया लेकिन कामना की कि उसे उस पर स्पष्ट रूप से अतिरंजित प्लास्टिक हंसी चिपकाने के बजाय धीरे से शांत होने की अनुमति दी गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बोधित महिला नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और कल के सुपरस्टार महिला के लिए स्टार डस्ट पुरस्कार मिला 2009 में कपूर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित सामाजिक नाटक दिल्ली छः में वहीदा रहमान और अभिषेक बच्चन के साथ एक महत्वाकांक्षी गायक की भूमिका निभाई फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही सी एन एन आई बी एन के राजीव मसन ने कपूर को एक रहस्योद्घाटन के रूप में संदर्भित किया उन्होंने लिखा कि वह एक पटाखा सहज और पारंपरिक महिला नेतृत्व में भी बेहिचक थी सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कपूर को एक गंभीर और सहज कलाकार के रूप में वर्णित किया और ठेठ दिल्ली लड़की नुस्खा के बावजूद उनके चरित्र को पसंद करने योग्य पाया 2010 में कपूर की पहली रिलीज़ इमरान खान के साथ पुनित मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज़ थी उन्होंने एक व्यस्त महिला की भूमिका निभाई जो अपने प्रतिबद्धता फैब्रिक सहकर्मी के प्रति एक तरफा आकर्षण विकसित करती है खान ने कपूर की कला के बारे में कहा हम एक दृश्य को कई कोणों से शूट करेंगे तीन या चार घंटे तक आपकी दृश्य एक ही पंक्तियों पर रहे और यहाँ यह व्यक्ति कपूर है जो अपने काम में निरंतरता लाता है उसके बात करने के तरीके से लेकर उसके उच्चारण तक हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस के शुभ्रा गुप्ता ने कपूर के प्रदर्शन को कड़ा और पूर्वाभ्यास कहा डेली न्यूज एंड एनलिस्ट जॉनसन थॉमस ने उन्हें पसंद करने योग्य और विश्वसनीय पाया कपूर ने अगली बार आयशा में नामांकित भूमिका निभाई जो जैन ऑस्टेन के उपन्यास एम्मा पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसका निर्माण उनकी बहन ने किया था उन्होंने अपने किरदार का वर्णन मग्नी करने और कामदेव का किरदार निभाने के जुनून के साथ एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में किया आयशा में अभय देओल ईरा दुबे सायरस साहूकार अमृतापुरी आनंद तिवारी अरुणोदय सिंह और लीसा हेडन भी थे एक इंडो एशियन न्यूज सर्विस समीक्षक ने सोचा कि कपूर ने अपने प्रदर्शन के साथ समूह में अलग पहचान बनाई है जिससे एक भारतीय अग्रणी महिला के लिए बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनना एक दुर्लभ अवसर है जो विक्टोरियन रीति रिवाजों और दिल्ली के अभिजात्य प्रभाव को सलाम करता है एक क्लीन कूल स्वीप 2011 में कपूर ने थैंक यू में अभिनय किया जो तीन महिलाओं के बारे में एक कॉमेडी थी जो अपने लुटेरे पतियों को सबक सिखाती है कपूर के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निकट काजमी ने उन्हें बेहद खराब कहा इसके बाद उन्हें पंकज कपूर द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा मौसम में शाहिद कपूर की रोमांटिक भूमिका निभाई जिसे भी खराब प्रतिक्रिया मिली उनकी अभिन्न श्रमता के बारे में संदेह के बावजूद एन के आलोचक साबल चटर्जी ने सोचा कि कपूर ने हमेशा के लिए दबाव में रहने वाली एक लड़की की आवश्यकता भेदता को व्यक्त किया है जो स्त्री की नाजुकता और मूल संकल्प का सही मिश्रण सामने लाती है अगले वर्ष कपूर ने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म प्लेयर्स, जो 2003 की द इटालियन जॉब की रीमेक थी में अभिषेक बच्चन नील नितिन मुकेश और विपाशा बसु के साथ एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाई उनकी भूमिका मूल रूप से कैटरीना कैफ के लिए लिखी गई थी जो फिल्म के लिए उपलब्ध नहीं थी हालांकि पत्रकारों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से विफल रही और रेडिफ डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की, की कि कपूर स्वर्ण पदक विजेता हैकर के रूप में खुद को पेश करने की बचकानी कोशिश से वास्तव में मनोरंजन करती है कपूर की खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनके करियर में बाधा डालने लगा रांझणा के साथ स्थापना 2013 से 2015 आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा रांझणा 2013 में कपूर की भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई इति सहगल ने इसे द इंडियन एक्सप्रेस में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया कपूर की भूमिका वाराणसी की एक युवा मुस्लिम छात्रा जो या हैदर से की की थी जो अपने सिख प्रेमी की हत्या के बाद राजनीति में आ जाती है अपने हिस्से की तैयारी के लिए कपूर ने छात्रों के साथ बातचीत की कार्यशालाओं में भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े थिएटर समूह के साथ अभ्यास किया 2013 में एक प्रमोशनल इवेंट में शिरकत करती सोनम कपूर कपूर दो में झलक दिखला जा पर का प्रचार कर रहे थे रांझणा की सफलता के बाद कपूर ने एथलीट मिल्का सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग 2013 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई 300 मिलियन यूएस डॉलर 3.8 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म के लिए उन्हें रुपए ग्यारह फोर्स यूएस प्राप्त हुए उन्होंने निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के प्रति उनकी प्रशंसा और फिल्म में उनकी उपस्थिति का कारण बताया समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाग मिल्खा भाग साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी समीक्षा सरिता ए तनवर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि अपनी छोटी भूमिका के बावजूद कपूर मिल्खा के लिए आदर्श कर्म जोशीपूर्ण समकक्ष साबित हुए रांजणा और भाग मिल्खा भाग दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला जिनमें से बाद वाली ने जीत हासिल की 2014 में कपूर ने यशराज फिल्म्स की कॉमेडी ड्रामा बेवकूफिया में आयुष्मान खुराना और ऋषि कपूर के साथ बैंकर मायरा सहगल की भूमिका निभाई यह भूमिका फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को खराब तरीके से लिखी गई और कठिन चढ़ाई वाली लगी उन्होंने अगली बार फवाद खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी खूबसूरत में अभिनय किया जो 1980 में सी नाम की फिल्म का रूपांतरण था जिसमें वह भूमिका निभाई गई थी जो मूल रूप से रेखा को दी गई थी हालांकि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला आलोचकों की प्रतिक्रिया विभाजित थी राइटर्स की शिल्पा जमखंडीकर ने उन्हें जोरदार और चिड़चिड़ा कहा और न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी वेबस्टर ने उनकी तुलना एक अभिनेत्री से की जुवा एनी हैथवे और उसकी जूलिया रॉबर्ट्स जैसी मुस्कान पर प्रकाश डाला उस वर्ष बाद में वह एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर उद्यमी मॉडल साहिर बैरी से मिली और उनके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया हालांकि कुछ महीने बाद वे टूट गए 2015 में कपूर ने डोली की डोली में एक भगोड़ी दुल्हन की भूमिका निभाई जो एक डकैती वाली कॉमेडी थी जिसमें पुलकित सम्राट राजकुमार राव और वरुण शर्मा सहायक कलाकार थे मिंट की उदिता झुंझुनू वाला ने फिल्म में कपूर के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि उनकी सीमा एक ऐसे चरित्र को जीवंत करने के लिए बहुत सीमित है जिसमें कागज पर ढेर सारी संभावनाएँ हो सकती है शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कपूर लगभग हर फ्रेम में और उन्हें सभी को भरना चाहिए लेकिन चरित्र का उपचार उनकी सीमाओं को दर्शाता है उनके प्रदर्शन के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फरवरी 2015 में गुजरात के गोंडल में सलमान खान के साथ सूरज और भड़जातिया की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान कपूर को स्वाइन इन्फ्लुएंजा का पता चला जिससे वह अगले महीने ठीक हो गई कपूर ने राजकुमारी मैथिली देवी की भूमिका निभाई जो प्यार की तलाश में एक राजकुमारी थी यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई राशि के रूप में उनकी विश्वसनीयता के लिए रचित गुप्ता ने उनकी प्रशंसा की और कोमल नाइटा ने सोचा कि यह भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी हालांकि उन्होंने सबसे ख़राब अभिनेत्री का गोल्डन कैला पुरस्कार जीता महिला प्रधान फिल्म में और शादी 2016 से 2018 2016 में निर्जा के लिए कार्यक्रम में कपूर फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता कोल्ड प्ले के ह्यूमन फॉर द वीक एंड बियॉन्ड से अभिनीत के संगीत वीडियो में उपस्थिति के बाद कपूर ने राम माधवानी की जीवनी थ्रिलर नीरजा दो तो हजार सोलह में अभिनय किया उन्हें उसी नाम की एयर होस्टेस नीरजा भनोट की भूमिका में लिया गया था जिनकी उन्नीस सौ छियासी में अपन फ्लाइट तिहत्तर के यात्रियों को बचाने के दौरान मृत्यु हो गई थी कपूर ने परियोजना के प्रति जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि यह वास्तविक घटनाओं के बारे में है और तैयारी के तौर पर उन्होंने भनोट के परिवार से मुलाकात की उसकी भूमिका के लिए फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कई टिप्पणीकारों ने कपूर के प्रदर्शन को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना राजा सेन ने उनके प्रदर्शन को करियर परिभाषित करने वाला पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने लिखा है कि फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधों पर रखती है वह ईमानदार डरी हुई परोपकारी और साहसी दिखती है सभी एक ही समय में सेन ने कपूर को 2016 में हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया जबकि राजीव मसंद ने उन्हें अपनी वार्षिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की गोलमेज बैठक में आमंत्रित किया कई अन्य प्रशंसाओं के अलावा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और एक फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के अलावा एक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन भी जीता स्क्रीन से दो साल की अनुपस्थिति के बाद कपूर ने आर बालकी की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन 2018 में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित थी अक्षय कुमार और राधिका आप्टे अभिनेत्री आई फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन से प्रेरित है जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था कपूर ने कहा कि भूमिका की लंबाई उनके लिए बहुत कम महत्व रखती है जब तक कि फिल्म सिर्फ फिल्मों में अच्छा समय बिताने से परे प्रासंगिक है आठ मई दो को कपूर ने मुंबई के बांद्रा में एक पारंपरिक सिख समारोह में भारतीय व्यवसायी आनंद आहूजा से शादी की अगले महीने उन्होंने शशांक घोष की वीरे वेडिंग में अभिनय किया जो एक महिला मित्र फिल्म थी जिसमें करीना कपूर स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया सह कलाकार थी द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को बद और घिसा पिटा पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने सोचा कि फिल्म में शैली है लेकिन कोई आत्मा नहीं है और कपूर के प्रदर्शन से आंशिक रूप से प्रभावित हुई रुपए एक बिलियन यूएस डॉलर सत्रह मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई करियर में उतार चढ़ाव और अंतराल 2019 में कपूर ने आने वाली फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सोनम के आहूजा के रूप में अभिनय किया जिसमें उनके पिता जूही चावला और राजकुमार राव सह कलाकार थे उन्होंने एक बंद समलैंगिक की भूमिका निभाई जिसे अपने रूढ़िवादी परिवार से बाहर आने में परेशानी होती है वह तो भारत में समलैंगिक संबंधों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने की परियोजना के लिए सहमत हुई। आलोचक समलैंगिकता के इसके सकारात्मक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित कर रहे थे लेकिन यह व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा कपूर ने अगली बार अभिषेक शर्मा की अनुजा चौहान के रोमांटिक कॉमेडी उपन्यास द जोया फैक्टर के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया जिसमें उन्होंने कनाड़ी महिला का मुख्य किरदार निभाया जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक भाग्यशाली आकर्षण बन जाती है हफ पोस्ट के अंकुर पाठक ने उनकी कॉमिक टाइमिंग की सराहना की लेकिन अफसोस जताया कि उन दृश्यों में गहराई कम है जिसके लिए उन्हें अधिक भावनाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है अगस्त 2022 में कपूर ने बेटे को जन्म दिया उन्होंने तब से कहा मैं एक माँ के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूँगी जिसका मतलब है कि अभिनय निश्चित रूप से पीछे रह जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पूरी तरह से काम करना बंद करूँगी दो में स्कॉटलैंड में उन्होंने जिस थ्रिलर की शूटिंग की थी उसका नाम ब्लाइंड था जो इसी नाम की 2011 की कोरियाई फिल्म की थी प्रेम रतन धन पायो 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो सूरज बड़जातिया द्वारा लिखित और निर्देशित है राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं नील नितिन मुकेश अनुपम खेर स्वरा भास्कर दीपक डोबरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिकाएं निभाते हैं यह उनकी पिछली फिल्मों में प्यार किया हम आपके हैं कौन के बाद बढ़ जाते है। और खान के बीच चौथा सहयोग है उन्नीस और हम साथ साथ हैं और यह सावरिया के बाद खान और कपूर के बीच दूसरा सहयोग है यह फिल्म दिवाली सीजन के दौरान 12 नवंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी दुनिया भर में चार करोड़ की कमाई के साथ यह 2015 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और चौंतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर 2012 की दक्षिण कोरियाई फिल्म मास्क रेड से प्रेरित है जो स्वयं एंथनी होप के अठारह के उपन्यास द प्रजनर ऑफ जेंडा पर आधारित थी कथानक युवराज विजय सिंह सलमान खान जो कि प्रीतमपुर के एक अन्य युवराज हैं जल्द ही राजा बनने वाले हैं उनकी सगाई पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी सोनम कपूर से हुई है लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय को मैथिली और उसके भाई बहनों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी अमीर सौतीली बहनें राजकुमारी चंद्रिका स्वरा भास्कर और राजकुमारी राधिका आशिका भाटिया शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती है और चंद्रिका एक नगर पालिका स्कूल में लेखा प्रमुख के रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है शाही संपत्ति में हिस्सा क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी माँ एक कवि और बाद में दिवंगत राजा की रखेल के साथ रानी ने अन्याय किया था जब उसने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया था इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली जो स्कूल के समय में सबसे अच्छी दोस्त थी विजय के साथ उसकी सगाई के कारण उनकी दोस्ती टूट गई इसी तरह उनके सौतेले भाई युवराज अजय सिंह नील नितिन मुकेश प्रतिशोध की कसम खाते हैं और उन्हें मारकर ताज अपने लिए लेना चाहते हैं अपने प्रबंधक चिराग सिंह अरमान कोहली और विजय की सचिव समीरा समायरा राव की मदद लेता है चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है विजय व मुश्किल अजय और चिराग द्वारा बनाई गई हत्या की योजना से बच जाता है लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है वह दो डॉक्टरों द्वारा बनाए गए एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है इस बीच विजय के हम शकल प्रेमी रघुवंशी उर्फ प्रेम दिल वाले सलमान खान एक प्रेम गुरु एक दिलैर जीवंत और लापरवाह मंच अभिनेता जैसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है अपने दोस्त कन्हैया दीपक डोबरियाल के साथ उससे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुँचता है एक बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय दीप संयोग से देखा और उसे दीवान साहब अनुपम खेर के पास ले गया प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्यजनक समानता देखकर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा जबकि युवराज कोमा से ठीक हो गया प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव के साथ वह मैथिली को प्रभावित करता है जो पहले विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहती थी और अनजाने में प्रेम के प्यार में पड़ जाती है प्रेम विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ मेल मिलाप करने का भी प्रयास करता है और शाही परिवार की सारी संपत्ति उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है उसकी सौतेली बहनें इस भाव से इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि मैथिली के थोड़े से दबाव से अंततः उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे राजकुमार को उसके भाग्य से वंचित करने और उसकी बहनों के रूप में उसके साथ मेल मिलाप करने से इनकार कर देती हैं इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है और इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं चिराग ने अजय को धोखा देने का फैसला किया क्योंकि उसने विजय को मुक्त कर दिया और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी दी विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जब प्रेम और कन्हैया कर हस्तक्षेप करते हैं और भ्रम को दूर करते हैं चिराग उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गिर कर मर जाता है अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उससे सुलह कर लेता है प्रेम के युवराज विजय ने ना होने की सच्चाई जानकर मैथिली हैरान हो जाती है जब प्रेम अपने घर वापस चला जाता है और उसका दिल टूट जाता है अंत में शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वे कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेते हैं उत्पादन विकास जून 2013 में सलमान खान और सूरज भड़जातिया द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम जनवरी 2014 से होकर जून 2014 तक चला इसका नाम बड़े भैया था और बाद में से प्रसिद्ध हिंदू भजन से प्रेरित होकर प्रेम रतन धन पायो में बदल दिया गया मेरा भाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हिमेश रेशम या भी मणिकंदन और संजय सांकला ने फिल्म में संगीतकार छायाकार और संपादक की भूमिका निभाई डलाई यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें प्रारंभ में अनुष्का शर्मा सोनाक्षी सिन्हा करीना कपूर डेजी शाह और दीपिका पादुकोण के प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाने की अफवाह थी और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया अंततः सोनम कपूर को इस फिल्म में एक प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया और उन्होंने 2007 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म सांवरिया के बाद खान के साथ अपनी दूसरी फिल्म की नील नितिन मुकेश अनुपम खेर अरमान कोहली दीपक डोबरियाल समायरा राव और स्वरा भास्कर को सहायक किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था अमृता राव को खान की सौतेली बहन की भूमिका निभाने के लिए माना गया और उनकी भूमिका भास्कर को मिली इससे पहले राव ने विवाह में अभिनय किया था फिल्माने हज़ार दिनों की तैयारी के बाद 26 जून 2014 को फिल्मांकन शुरू हुआ और दो से दिनों की शूटिंग के बाद दो सितंबर 2015 को पूरा हुआ इसकी शूटिंग राजकोट गोंडल उदयपुर अथीरापल्ली फॉल्स और मुंबई में की गई थी इसे पूरे भारत में कई असाधारण स्थानों पर शूट किया गया था भव्य सेट से लेकर विस्तृत वेशभूषा तक प्रेम रतन धन पायो निधेह सभी दर्शकों के लिए एक आनंददायक दृश्य था फिल्म के निर्माताओं ने लार्जर देन लाइफ शीर्षक से फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म में प्रीतमपुर का शाही महल अब तक बने सबसे बड़े सेटों में से एक है जो फैल गया था लगभग एक लाख वर्ग फुट फिल्म के प्रत्येक अभिनेता को प्रत्येक शॉट के भव्य होने के साथ फिल्म के भव्य पैमाने के बारे में बोलते हुए भी सुना जाता है प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई ने कहा कि हर तत्व में जान डालने की कोशिश की गई है मुक्त करना प्रेम रतन धन पायो को तमिल में मीम रंधेन पारायो देखे मैंने खुद को खो दिया है और तेलुगु में प्रेम लीला लव गेम्स के रूप में डबो रिलीज किया गया था आलोचनात्मक सिकारता इस लेख में बहुत अधिक या अत्यधिक लंबे उद्धरण हैं कृपया उद्धरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायता करें सीधे उद्धरणों को विकी सुक्ति या अंशों को विकी सोर्स पर स्थानांतरित करने पर विचार करें बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को पाँच में से साढ़े चार देते हुए कहा कि कुल मिलाकर पीआरडीपी पूरे परिवार के लिए दिवाली के लिए एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है फिल्म को प्रचुर प्यार प्रेम मिलेगा जबकि इसके निवेशकों को फायदा होगा धन इसे सभी संबंधित लोगों के लिए एक यादगार दिवाली बनाना टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजना मित्रा दास ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि पी आर डी पी सलमान खान की जीत है और वह सिनेमाघरों में दोहरी भूमिका के साथ धूम मचा देते हैं जो आपको हंसाता है हाँफता है आ भरता है रुलाता है उन्होंने सोनम कपूर दीपक डोग्रियाल आशिका भाटिया और स्वरा भास्कर के अभिनय की भी सराहना की सिपी की सोनिया चोपड़ा ने पाँच में से तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म में खामियां हैं लेकिन अभिनेता सलमान खान की दोहरी भूमिका के साथ फिल्म निश्चित रूप से पारिवारिक दर्शकों के बीच सही जगह पहुंचेगी। सी एन एन आई बी के राजीव मसन ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारों की रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक ने उसी सफल फार्मूले का इस्तेमाल किया है जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में आजमाया था लेकिन अब रुपों में जंग लग गई है भावना शायद ही कभी वास्तविक लगती है और लेखन पूरी तरह सतह स्तर का है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म की एकमात्र बचत सलमान खान की उपस्थिति है जो अच्छे फॉर्म में है इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की कम रेटिंग दी इसे रामायण और इसकी लाखों कहानियों की पुनर्कल्पना कहा इसकी आलोचना करते हुए से निर्देशक की पिछली फिल्मों की पुरानी अतिरंजित पुनरावृत्ति कहा जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने फिल्म को केवल पाँच में से दो स्टार दिए इसे सीधे अस्सी के दशक की फिल्म कहा जो निर्देशक के उसी फार्मूले को दोहराती है लेकिन संगीत निर्देशक हिमेश रेशमी और मुख्य अभिनेता सलमान खान की सराहना करते हुए उसे काफ़ी पसंद करने योग्य बताया और उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहतर हो गई फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम ने फिल्म को अधूरी बेजान कम बुद्धि वाली फिल्म के रूप में बताया जिसमें किशोर हास्य और पारिवारिक राजनीति है जो अब हिंदी फिक्शन टीवी पर चलने वाले सबसे सस्ते सास बहु धारावाहिकों की परिस्थितियों से मिलती जुलती है और उन कुछ गुणों का भी अभाव है जो उसके पहले के उपकरणों को सहनीय बनाते थे रेडियो डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को पाँच में से ढाई स्टार रेटिंग देते हुए कहा पीआरडीपी भाई बहन के स्नेह पारिवारिक मूल्य और शर्मिले प्रेमालाप पर अपनी मान्यताओं पर कायम है और इस पर जोर देने के लिए एक लंबा रास्ता अपनाता है बॉक्स ऑफिस भारत प्रेम रतन धन पायो ने अपने शुरुआती दिन में चालीस करोड़ यूएस डॉलर 5.1 मिलियन की कमाई की और बजरंगी भाईजान के पहले के रिकॉर्ड को तोड़कर साल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई यह हैप्पी न्यू ईयर के बाद एक ही दिन में चालीस करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी सिनेमा की दूसरी फिल्म है पहले दिन फिल्म का सकल संग्रह पचपन पॉइंट जीरो तीन करोड़ था जो भारत में सबसे अधिक है अपने दूसरे दिन फिल्म के व्यवसाय में पच्चीस प्रतिशत की गिरावट देखी गई क्योंकि इसने इकतीस पॉइंट जीरो पाँच करोड़ यूएस डॉलर तीन पॉइंट नौ मिलियन का शुद्ध संग्रह किया जो अब तक का सबसे अधिक गैर अवकाश वाला दूसरा दिन था फिल्म ने अपने तीसरे दिन तीस पॉइंट जीरो सात करोड़ यू एस डॉलर तीन पॉइंट आठ मिलियन की कमाई की जो अब तक का सबसे अधिक गैर अवकाश वाला तीसरा दिन है जिससे इसकी तीन दिन की कुल कमाई एक सौ एक पॉइंट सैंतालीस करोड़ हो गई यह फिल्म लगातार तीन दिनों में सौ करोड़ यू डॉलर तेरह मिलियन से अधिक की कुल कमाई की जिससे इसके विस्तारित शुरुआती सप्तान्त में कुल कमाई एक सौ उनतीस पॉइंट सतहत्तर करोड़ यूएस डॉलर 16 मिलियन हो गई जो किसी हिंदी फिल्म के लिए चार दिनों में सबसे अधिक कमाई है बजरंगी भाईजान और धूम तीन के पिछले रिकॉर्ड फिल्म ने अपने पाँचवें दिन में गिरावट दर्ज की और तेरह पॉइंट बासठ करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने छठे दिन फिल्म ने बारह पॉइंट जीरो चार करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिससे छह दिन की कुल कमाई एक सौ पचपन पॉइंट तैतालीस करोड़ हो गई और लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ कर यह वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी कमाई बन गई तनु वैट्स मनु रिटर्न फिल्म ने अपने सातवें दिन दस करोड़ की कमाई की जिससे उसकी सात दिन की कुल कमाई एक करोड़ हो गई और इसने के और चेन्नई एक्सप्रेस के पहले सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार और शनिवार को क्रमशः पाँच पॉइंट पचास करोड़ छः पॉइंट सत्तर करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने दूसरे रविवार को फिल्म ने एट पॉइंट टू जीरो करोड़ की कुल कमाई की जिससे दूसरे सप्ताह की बात की कुल कमाई एक सौ तिरानवे पॉइंट बाईस करोड़ यूएस डॉलर चौबीस मिलियन हो गई फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार को कुल एक सौ एक पॉइंट बावन करोड़ का कलेक्शन किया और इस तरह सलमान खान की दूसरी फिल्म बजरंगी भाईजान के बाद दो सौ करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली साल की दूसरी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने तीसरे सप्ताह में तीन पॉइंट दस करोड़ यूएस डॉलर तीन लाख नब्बे हजार की कमाई की जिससे इसकी कुल कमाई दो सौ छः पॉइंट तिरसठ करोड़ यूएस डॉलर छब्बीस मिलियन हो गई प्रवासी फिल्म ने विदेशों में अपने पहले दिन एक पॉइंट छः मिलियन डॉलर दस पॉइंट बासठ करोड़ की कमाई की फ़िल्म की दो दिनों की कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट सत्तासी मिलियन थी फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अपने पहले चार दिनों में डॉलर एट पॉइंट नौ मिलियन की कमाई की प्रेम रतन धन पायो से एकल एक प्रेम लीला रिलीज सात अक्टूबर दो हज़ार पंद्रह फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज़ को सत्रह करोड़ में बेचे गए जिससे उस समय बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सबसे महंगा संगीत अधिकार सौदा बन गया प्रेम रतन पायो का पूरा संगीत एल्बम दस अक्टूबर दो हजार पंद्रह को जारी किया गया था संजय चौधरी ने मूल पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया था जबकि रेशमिया को उनके गीतों पर थीम आधारित स्कोर के लिए श्रेय दिया गया था सभी गीत इषाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है अहमियता भरा जवाब रेडिप डॉट कॉम की समीक्षक एलिना कपूर ने एल्बम को पाँच में से साढ़े तीन स्टार देते हुए कहा कि प्रेम रतन धन पायो का संगीत अच्छा है इसमें एक मजबूत पारंपरिक स्वाद है एक पारिवारिक एहसास है और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म निर्माता ने आदेश दिया था बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पाँच में से साढ़े चार अंक दिए और कहा कि हिमेश रेशमिया ने अपने संगीत करियर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और साउंड ट्रैक उन भारी उम्मीदों से अधिक है जो इससे थी उन्होंने एल्बम को शानदार बताया और इरशाद कामिल के गीतों की सराहना की टाइम्स ऑफ इंडिया के काश्मीन फर्नांडिस ने एल्बम को पाँच में से चार दी और सराहना की कि फिल्म का संगीत सुखद है और उन्नीस के दशक के उल्लासपूर्ण गीतों की याद दिलाता है हालांकि उन्हें इरशाद कामिल के गीत बहुत पसंद आए समीक्षक आर एम विजयकर ने इंडिया वेस्ट के लिए अपनी समीक्षा में साउंड ट्रैक को पाँच में से साढ़े तीन अंक दिए उन्होंने संक्षेप में कहा कि आज की भ्रष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ गहरी और समृद्ध भारतीय धुन अच्छी कविता और विषयगत तत्वता प्रदान करने में साहस और दृढ़ विश्वास के लिए यह स्कूल होसनस का हकदार है उन्होंने यह भी बताया कि एल्बम बिल्कुल शुद्ध है जिसमें कोई कठिन शब्द पश्चिमी बीट्स रैप और कई संगीत निर्माता नहीं है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपनी आलोचनात्मक समीक्षा में विपिन नायर ने एल्बम को दस में से साढ़े छः अंक दिए उन्होंने कहा कि यह एल्बम नब्बे के दशक की बॉलीवुड धुनों को पसंद करने वाले लोगों के बीच हिट हो सकता है हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह थोड़ा पुराना है कोई मोई डॉट कॉम के लिए सुरबी रेडकर ने एल्बम को पाँच में से दो सितारों की कम रेटिंग देते हुए कहा कि साउंड ट्रैक दृश्यों के साथ बेहतर हो सकता है दोहरी भूमिका जैसे दोहरी भूमिका के रूप में भी जाना जाता है का तात्पर्य एक अभिनेता द्वारा एक ही प्रोडक्शन में दो भूमिकाएं निभाने से है दोहरी भूमिकाएं या एक अभिनेता के लिए बड़ी संख्या में भूमिकाएं जानबूझकर एक स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है या इसके बजाय उत्पादन के दौरान चुना गया विकल्प हो सकता है अक्सर कम बजट के कारण फिल्म और टेलीविजन में दोहरी भूमिकाओं का उपयोग अक्सर हास्य प्रभाव के लिए या समान जुड़वा बच्चों या रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए किया जाता है किसी नाट्य प्रस्तुति में जहाँ एक से अधिक अभिनेता कई किरदार निभाते हैं उसे कभी कभी आयरन मैन कलाकार के रूप में जाना जाता है रंगमंच थिएटर में कई भूमिकाओं का उपयोग बजट संबंधित हो सकता है इसका उद्देश्य एक कुशल अभिनेता को अधिक मंच समय या अधिक चुनौती देना हो सकता है या कहानी के लिए विषयगत महत्व तो हो सकता है ऐसे निर्णय की ओर ले जाने वाले कारकों का संयोजन अक्सर अज्ञात रह जाता है उदाहरण के लिए विलियम शेक्सपियर की दोहरी भूमिकाओं के उपयोग के महत्व पर बहस मौजूद है जिसमें एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि क्या किंग लियर में कॉर्डेलिया और फूल के पात्रों का इरादा एक ही था या क्या रहस्यमय तीसरा हत्यारा था मैकबैथ वास्तव में स्वयं मैकबैथ है टॉम स्टॉपर जैसे बेतुके लोगों के कार्यों में एक ही अभिनेता द्वारा निभाए गए पात्र अक्सर विषयगत महत्व होते हैं संगीत में हैमिल्टन में चार अभिनेताओं अभिनेत्रियों को दोहरी भूमिकाओं में रखा गया है प्रत्येक एक प्रमुख सहायक चरित्र है पहले और दूसरे अभिनय के बीच भूमिकाओं में बदलाव होता है जॉन लॉरेंस फिलिप हैमिल्टन लॉफायर, थॉमस जेफरसन और हरक्यूलिस मुलीगन जेम्स मेडिसन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शुरुआती गीत अलेक्जेंडर हैमिल्टन में एक जैसी सफ़ेद पोशाक पहनते हैं और उन्हें जानबूझकर दोहरे अर्थ वाली पंक्तियां दी गई थी जो उनके दोहरे अर्थ में फिट बैठती हैं द जूरी ऑफ फैट दो में मॉबल टेलीफेरों ने जुड़वा भाई और बहन की भूमिका निभाई है जहाँ भाई के मारे जाने के बाद बहन उसकी जगह लेती है फिल्म यह भी देखें उन अभिनेताओं की सूची जिन्होंने एक ही फिल्म में कई भूमिकाएं निभाई हैं ली मारविन ने कैट उन्नीस सौ में दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार जीता एडेप्टेशन दो हजार दो में दोहरी भूमिका के लिए निकोलस केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंजेलोव उन्नीस सौ चौंसठ में तेरी भूमिका के लिए पीटर सैलर्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था कुछ कम बजट की फिल्मों में पैसे बचाने के लिए अभिनेताओं को एक से अधिक भूमिकाओं में लिया गया तमिल अभिनेता कमल हासन पंद्रह से अधिक फिल्मों में कई भूमिकाओं में आ गए और अजीत कुमार ने सात फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं एकाधिक कास्टिंग में अक्सर एक ही परिवार के कई सदस्यों के रूप में एक अभिनेता की कास्टिंग शामिल होती है फिल्म निर्माता गोविंद निलानी के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्म में जीवित डबल होना अपने आप में लगभग एक शैली बन गया राम और श्याम में दिलीप कुमार ने दो भाइयों की भूमिका निभाई जो अपने जन्म के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं सीता और गीता इस कथानक उपकरण के एक महिला संस्करण का उपयोग करती है जिसमें हेमा मालिनी ने दो अलग बहनों के रूप में अभिनय किया शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र शर्मा ने दोहरी भूमिका निभाई थी एंथिरन दो में जो उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी रजनीकांत ने दोहरी भूमिका निभाई है जिसमें दो मुख्य पात्र एक वैज्ञानिक और उनके द्वारा बनाया गया ह्यूम रोबोट शामिल है टेलीविज़न में सोप ओपेरा आमतौर पर इस तकनीक का उपयोग या तो जुड़वा बच्चों या यहाँ तक कि समान दिखने वाले रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए करते हैं या किसी ऐसे अभिनेता को वापस लाने के लिए करते हैं जिसका चरित्र मारा गया है उदाहरण के तौर पर डेनिस क्रॉसबी के चरित्र ताशा यार को स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन के पहले सीजन में मार दिया गया था और तीसरे सीजन में क्रॉसबी को वापस लाने के लिए एक और चरित्र बनाया गया सोनम कपूर आहूजा जन्म नौ जून उन्नीस सौ एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2012 से 2016 तक वह अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर फोबर्स इंडिया की सेलिब्रिटी शो सूची में शामिल हुई अभिनेता अनिल कपूर की बेटी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत फ़िल्म निर्माता संजय लीला बंसाली की 2005 की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बंसाली की रोमांटिक ड्रामा सांवरिया 2007 से की जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज 2010 से उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता भी मिली इसके बाद व्यावसायिक असफलताओं और दोहराव वाली भूमिकाओं की एक श्रृंखला आई जिससे उन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली 2013 की बॉक्स ऑफिस हिट रांजना ने कपूर के करियर में एक महत्वपूर्ण तो मोड़ ला दिया जिससे उन्हें कई पुरस्कार समारोहों में प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला कपूर को उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएँ बायोपिक्स भाग मिल्खा भाग 2013 और संजू 2018 में सहायक भूमिकाएं और रोमांस प्रेम रतन धन पायो दो में प्रमुख भूमिका के साथ मिली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में अंतिम दो स्थान पर है 2016 की जीवनी थ्रिलर फिल्म नीरजा में नीरजा भनोट के उनके प्रशंसित किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया और इसके बाद उन्होंने दो की महिला मित्र फिल्म वीर दी वेडिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाई ये दोनों सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में शुमार है इसके बाद दो महिला प्रधान फिल्मों को खराब प्रतिक्रिया मिली और एक अंतराल आया कपूर स्तन कैंसर और एल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का समर्थन करते हैं मीडिया में अपने मुखर व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली उन्हें अक्सर भारत की सबसे फैशनेबल हस्तियों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है उन्होंने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है जिनसे उनका एक बेटा है प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि सोनम कपूर और उनके पिता अनिल कपूर कैमरे के लिए पोज देते हुए 2011 में मुंबई में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कपूर अपने पिता अनिल कपूर के साथ कपूर का जन्म 9 जून उन्नीस को चेंबूर बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था उनके पिता अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर हैं जो दिवंगत फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के बेटे और अनिल कपूर फिल्म के संस्थापक हैं उनकी माँ सुनीता एक पूर्व मॉडल और डिजाइनर है कपूर के दो छोटे भाई बहन हैं फिल्म निर्माता रिया और भाई हर्षवर्धन वह फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता संजय कपूर की भतीजी है अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शोरी बोनी की पत्नियाँ उनकी मौसी थी कपूर के चचेरे भाई अभिनेता अर्जुन कपूर जाह्नवी कपूर खुशी कपूर और मोहित महारवा और मामा के दूसरे चचेरे भाई अभिनेता रणवीर सिंह है जब कपूर एक महीने के थे तब परिवार जूहू के उपनगर में चला गया उनकी शिक्षा जुहू के विद्या मंदिर स्कूल में हुई जहाँ उन्होंने एक शरारती और लापरवाह बच्ची होने की बात कबूल की जो लड़कों की धमकाती थी उन्होंने रूबी और बास्केटबॉल जैसे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कथक शास्त्रीय संगीत और लैटिन नृत्य में प्रशिक्षण लिया कपूर जो हिंदू धर्म का पालन करती है कहती है कि वह काफ़ी धार्मिक है और यह खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि मुझे इसके लिए आभारी होने की ज़रूरत है कपूर की पहली नौकरी पंद्रह साल की उम्र में वैट्रिस के रूप में थी हालांकि यह केवल एक सप्ताह तक चली एक किशोरी के रूप में अपने वजन से जूझती थी मुझे वजन से संबंधित हर समस्या थी जो मुझे हो सकती थी मैं अस्वस्थ थी मेरी त्वचा तो खराब थी और मेरे चेहरे पर बाल उगाए थे कपूर को इंसुलिन प्रतिरोध और पॉलिस्टिकिम ग्रंथि रोग का पता चला था और तब से उन्होंने मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की कपूर ने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए सिंगापुर में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने थिएटर और कला का अध्ययन भी किया जीवन और पेशा प्रारंभिक कार्य और संघर्ष तो दो से 2012 प्लग के निर्माण के दौरान कपूर को अभिनय में रुचि तब विकसित हुई जब बंसाली ने कहा कि वह उन्हें अपनी अगली फिल्म सावरिया में मुख्य भूमिका में लेना चाहते हैं उसे वज़न कम करने की सलाह दी गई उस समय उसका वजन लगभग 80 किलोग्राम 180 पाउंड था अपने ऊपर बंसाली के विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने दो वर्षों में पैंतीस किलोग्राम सतर पाउंड वज़न कम किया कपूर ने रोशन तनेजा जयती भाटिया और फिरोज अब्बास खान के साथ अभिनय का अध्ययन किया और उन्होंने अभिनेत्री वहीदा रहमान और नूतन को प्रभाव के रूप में उद्धृत किया उनकी पद प्रदर्शक फिल्मों की प्रशंसा की सलमान खान सोनम कपूर रणबीर कपूर और रानी मुखर्जी स्टेज पर खड़े हैं दो साथ में अपनी पहली फिल्म सांवरिया के ऑडियो लॉन्च पर कर रणबीर कपूर रानी मुखर्जी और सलमान खान के साथ कपूर 2007 में रिलीज हुई सावरिया में कपूर ने एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाई जो मुखर्जी रणबीर कपूर और सलमान खान के साथ अपने प्रेमी की वापसी का इंतजार कर रही थी यह हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली भारतीय फीचर फिल्म थी सावरिया एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता साबित हुई बीबीसी के लिए लिखते हुए जसप्रीत पंडोहर ने फिल्म को बड़े पैमाने पर मिस कहा रेडिव डॉट कॉम के राजा सेन ने उसकी हंसी को लगभग उसके पिता की तरह ही संक्रामक बताया लेकिन कामना की कि उसे उस पर स्पष्ट रूप से अतिरंजित प्लास्टिक हंसी चिपकाने के बजाय धीरे से शांत होने की अनुमति दी गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और कल के सुपरस्टार महिला के लिए स्टार डस्ट पुरस्कार मिला 2009 में कपूर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित सामाजिक नाटक दिल्ली छः में वहीदा रहमान और अभिषेक बच्चन के साथ एक महत्वाकांक्षी गायक की भूमिका निभाई फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही सी एन एन आई बी एन के राजीव मसन ने कपूर को एक रहस्योद्घाटन के रूप में संदर्भित किया उन्होंने लिखा कि वह एक पटाखा सहज और पारंपरिक महिला नेतृत्व में भी बेहिचक थी सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कपूर को एक गंभीर और सहज कलाकार के रूप में वर्णित किया और ठेठ दिल्ली लड़की नुस्खा के बावजूद उनके चरित्र को पसंद करने योग्य पाया 2010 में कपूर की पहली रिलीज इमरान खान के साथ पुनित मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज थी उन्होंने एक व्यस्त महिला की भूमिका निभाई जो अपने प्रतिबद्धता फैब्रिक सहकर्मी के प्रति एक आकर्षण विकसित करती है खान ने कपूर की कला के बारे में कहा हम एक दृश्य को कई कोणों से शूट करेंगे तीन या चार घंटे तक आपकी दृश्य एक ही पंक्तियों पर रहे और यहाँ यह व्यक्ति कपूर है जो अपने काम में निरंतरता लाता है उसके बात करने के तरीके से लेकर उसके उच्चारण तक हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने कपूर के प्रदर्शन को कड़ा और पूर्वाभ्यास कहा डेली न्यूज़ एंड एनलिस जॉनसन थॉमस ने उन्हें पसंद करने योग्य और विश्वसनीय पाया कपूर तो ने अगली बार आयशा में नामांकित भूमिका निभाई जो जैन ऑस्टेन के उपन्यास एम्मा पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसका निर्माण उनकी बहन ने किया था उन्होंने अपने किरदार का वर्णन मग्नी करने और कामदेव का किरदार निभाने के जुनून के साथ एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में किया आयशा में अभय देउल ईरा दुबे सायरस साहूकार अमृता पुरी आनंद तिवारी अरुणोदय लिसा हेडन भी थे एक इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस समीक्षक ने सोचा कि कपूर ने अपने प्रदर्शन के साथ समूह में अलग पहचान बनाई है जिससे एक भारतीय अग्रणी महिला के लिए बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनना एक दुर्लभ अवसर है जो विक्टोरियन रीति रिवाजों और दिल्ली के अभिजात्य प्रभाव को सलाम करता है एक क्लीन कूल स्वीप 2011 में कपूर ने थैंक यू में अभिनय किया जो तीन महिलाओं के बारे में एक कॉमेडी थी जो अपने लुटेरे पतियों को सबक सिखाती है कपूर के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निकट काजमी ने उन्हें बेहद ख़राब कहा इसके बाद उन्हें पंकज कपूर द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा मौसम में शाहिद कपूर की रोमांटिक भूमिका निभाई जिसे भी खराब प्रतिक्रिया मिली उनके अभिन्न क्षमता के बारे में संदेह के बावजूद एंड टीवी टी के आलोचक साबल चटर्जी ने सोचा कि कपूर ने हमेशा के लिए दबाव में रहने वाली एक लड़की की आवश्यकता भेदता को व्यक्त किया है जो स्त्री की नाजुकता और मूल संकल्प का सही मिश्रण सामने लाती है अगले वर्ष कपूर ने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित डकैती फ्लेयर्स जो दो हज़ार तीन की द इटैलियन जॉब की रीमेक थी में अभिषेक बच्चन नील नितिन मुकेश और विपाशा बसु के साथ एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाई उनकी भूमिका मूल रूप से कैटरीना कैफ के लिए लिखी गई थी जो फिल्म के लिए उपलब्ध नहीं थी हालांकि पत्रकारों को बहुत उम्मीदें थी लेकिन यह व्यावसायिक रूप से विफल रही और रेडिफ डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की, की कि कपूर स्वर्ण पदक विजेता है करके रूप में खुद को पेश करने की बचकानी कोशिश से वास्तव में मनोरंजन करती है कपूर की खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनके करियर में बाधा डालने लगा रांजना के साथ स्थापना 2013 से 2015 आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा रांजना 2013 में कपूर की भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई इति सैगल ने इसे द इंडियन एक्सप्रेस में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया कपूर की भूमिका वाराणसी की एक युवा मुस्लिम छात्रा जोया हैदर से की की थी जो अपने सिख प्रेमी की हत्या के बाद राजनीति में आ जाती है अपने हिस्से की तैयारी के लिए कपूर ने छात्रों के साथ बातचीत की कार्यशालाओं में भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े थिएटर समूह के साथ अभ्यास किया 2013 में एक प्रमोशनल इवेंट में शिरकत करती सोनम कपूर कपूर 2013 में झलक दिखला जा पर रांझणा का प्रचार कर रहे थे रांझणा की सफलता के बाद कपूर ने एथलीट मिल्खा सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग 2013 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई 300 मिलियन यूएस डॉलर 3.8 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म के लिए उन्हें रुपए ग्यारह फोर्स यूएस प्राप्त हुए उन्होंने निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के प्रति उनकी प्रशंसा और फिल्म में उनकी उपस्थिति का कारण बताया समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाग मिल्खा भाग साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी समीक्षा सरिता ए तनवर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि अपनी छोटी भूमिका के बावजूद कपूर मिल्खा के लिए आदर्श करम जोशी पूर्ण समकक्ष साबित हुए राजना और भाग मिल्खा भाग दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला जिनमें से बाद वाली ने जीत हासिल की 2014 में कपूर ने यशराज फिल्म्स की कॉमेडी ड्रामा बेवकूफियां में आयुष्मान खुराना और ऋषि कपूर के साथ बैंकर मायरा सहगल की भूमिका निभाई यह भूमिका फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को खराब तरीके से लिखी गई और कठिन चढ़ाई वाली लगी उन्होंने अगली बार फवाद खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी खूबसूरत में अभिनय किया जो उन्नीस में सी नाम की फिल्म का रूपांतरण था जिसमें वह भूमिका निभाई गई थी जो मूल रूप से रेखा को दी गई थी हालांकि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला आलोचकों की प्रतिक्रिया विभाजित थी राइटर्स की शिल्पा जमखंडिकर ने उन्हें ज़ोरदार और चिड़चिड़ा कहा और न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी वेब्स्टर ने उनकी तुलना एक अभिनेत्री से की युवा एनी हैथवे और उसकी जूलिया रॉबर्ट्स जैसी मुस्कान पर प्रकाश डाला उस वर्ष बाद में वह एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर उद्यमी मॉडल साहिर बैरी से मिली और उनके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया हालांकि कुछ महीने बाद वे टूट गए 2015 में कपूर ने डोली की डोली में एक भगोड़ी दुल्हन की भूमिका निभाई जो एक डकैती वाली कॉमेडी थी जिसमें पुलकित सम्राट राजकुमार राव और वरुण शर्मा सह कलाकार थे मिंट की उदिता वाला ने फिल्म में कपूर के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि उनकी सीमा एक ऐसे चरित्र को जीवंत करने के लिए बहुत सीमित है जिसमें कागज पर ढेर सारी संभावनाएं हो सकती हैं शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कपूर लगभग हर फ्रेम में है और उन्हें सभी को भरना चाहिए लेकिन चरित्र का उपचार उनकी सीमाओं को दर्शाता है उनके प्रदर्शन के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फरवरी 2015 में गुजरात के गोंडल में सलमान खान के साथ सूरज और भड़जातिया की प्रेम रतन धनपायु की शूटिंग के दौरान कपूर को स्वाइन इन्फ्लुएंजा का पता चला जिससे वह अगले महीने ठीक हो गई कपूर ने राजकुमारी मैथिली देवी की भूमिका निभाई जो प्यार की तलाश में एक राजकुमारी थी यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई राशि के रूप में उनकी विश्वसनीयता के लिए रचित गुप्ता ने उनकी प्रशंसा की और कोमल नाइटा ने सोचा कि यह भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी हालांकि उन्होंने सबसे ख़राब अभिनेत्री का गोल्डन कैला पुरस्कार जीता महिला प्रधान फिल्में और शादी 2016 से 2018 2016 में निर्जा के लिए कार्यक्रम में कपूर फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता कोल्ड प्ले के ह्यूमन फॉर द वीक एंड बी से अभिनित के संगीत वीडियो में उपस्थिति के बाद कपूर ने राम माधवानी की जीवनी थ्रिलर मीरजा 2016 में अभिनय किया उन्हें उसी नाम की एयर होस्टेस मीरजा भनोट की भूमिका में लिया गया था जिनकी उन्नीस में अपन पहनम फ्लाइट तिहत्तर के यात्रियों को बचाने के दौरान मृत्यु हो गई थी कपूर ने परियोजना के प्रति जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि यह वास्तविक घटनाओं के बारे में है और तैयारी के तौर पर उन्होंने भनोट के परिवार से मुलाकात की उसकी भूमिका के लिए फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कई टिप्पणीकारों ने कपूर के प्रदर्शन को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना राजा सेन ने उनके प्रदर्शन को करियर परिभाषित करने वाला पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने लिखा है कि फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधों पर रखती है वह ईमानदार डरी हुई परोपकारी और साहसी दिखती है सभी एक ही समय में सेन ने कपूर को 2016 में हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया जबकि राजीव मसंद ने उन्हें अपनी वार्षिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की गोलमेज बैठक में आमंत्रित किया कई अन्य प्रशंसाओं के अलावा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और एक फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के अलावा एक फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन भी जीता स्क्रीन से दो साल की अनुपस्थिति के बाद कपूर ने आर बालकी की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन 2018 में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित थी अक्षय कुमार और राधिका आप्टे अभिनेत्री फिल्म अरुणाचलम मुरुगनathan के जीवन से प्रेरित है जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था कपूर ने कहा कि भूमिका की लंबाई उनके लिए बहुत कम महत्व रखती है जब तक कि फिल्म सिर्फ फिल्मों में अच्छा समय बिताने से परे प्रासंगिक है 8 मई 2018 को कपूर ने मुंबई के बांद्रा में एक पारंपरिक सिख समारोह में भारतीय व्यवसायी आनंद आहूजा से शादी की अगले महीने उन्होंने शशांक घोष की वीरेदी वेडिंग में अभिनय किया जो एक महिला मित्र फिल्म थी जिसमें करीना कपूर स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया सह सा कलाकार थी द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को फॉर्मूलाबद्ध और घिसा पिटा पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने सोचा कि फिल्म में शैली है लेकिन कोई आत्मा नहीं है और कपूर के प्रदर्शन से आंशिक रूप से प्रभावित हुई रुपये एक पॉइंट चौंतीस बिलियन यूएस डॉलर सत्रह मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई करियर में उतार चढ़ाव और अंतराल 2019 में कपूर ने आने वाली फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सोनम के आहूजा के रूप में अभिनय किया जिसमें उनके पिता जूही चावला और राजकुमार राव सह कलाकार थे उन्होंने एक बंद समलैंगिक की भूमिका निभाई जिसे अपने रूढ़िवादी परिवार से बाहर आने में परेशानी होती है वह तो भारत में समलैंगिक संबंधों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने की परियोजना के लिए सहमत हुई आलोचक समलैंगिकता के इसके सकारात्मक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित कर रहे थे लेकिन यह व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा कपूर ने अगली बार अभिषेक शर्मा की अनुजा चौहान के रोमांटिक कॉमेडी उपन्यास द जोया फैक्टर के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया जिसमें उन्होंने कनाड़ी महिला का मुख्य किरदार निभाया जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक भाग्यशाली आकर्षण बन जाती है हफ हाँ पोस्ट के अंकुर पाठक ने उनकी कॉमिक टाइमिंग की सराहना की लेकिन अफसोस जताया कि उन दृश्यों में गहराई कम है जिसके लिए उन्हें अधिक भावनाओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है अगस्त 2022 में कपूर ने बेटे को जन्म दिया उन्होंने तब से कहा मैं एक माँ के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करूँगी जिसका मतलब है कि अभिनय निश्चित रूप से पीछे रह जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी पूरी तरह से काम करना बंद करूँगी 2020 में स्कॉटलैंड में उन्होंने जिस थ्रिलर की शूटिंग की थी उसका नाम ब्लाइंड था जो इसी नाम की 2011 की कोरियाई फिल्म की रीमेक थी प्रेम रतन धन दो 2015 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है जो सूरज बड़जातिया द्वारा लिखित और निर्देशित है राजश्री प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इसमें सलमान खान और सोनम कपूर हैं नील नितिन मुकेश अनुपम खेर स्वरा भास्कर दीपक डोबरियाल और आशिका भाटिया सहायक भूमिकाएं निभाते हैं यह उनकी पिछली फिल्मों मैंने प्यार किया हम आपके हैं कौन के बाद बड़ जाते हैं। और खान के बीच चौथा सहयोग है उन्नीस और हम साथ साथ हैं और यह सावरिया के बाद खान और कपूर के बीच दूसरा सहयोग है यह फिल्म दिवाली सीजन के दौरान 12 नवंबर 2015 को दुनिया भर में रिलीज़ हुई थी दुनिया भर में चार सौ बत्तीस करोड़ की कमाई के साथ यह दो हज़ार पंद्रह की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म और चौंतीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है फिल्म का मुख्य कथानक कथित तौर पर दो हज़ार बारह की दक्षिण कोरियाई फिल्म मास्क रेड से प्रेरित है जो स्वयं एंथनी होप के अठारह सौ चौरानवे के उपन्यास द प्रिजनर ऑफ जेंडा पर आधारित थी कथानक युवराज विजय सिंह सलमान खान जो कि प्रीतमपुर के एक युवराज हैं जल्दी राजा बनने वाले हैं उनकी सगाई पड़ोसी राज्य देवगढ़ के शाही परिवार की राजकुमारी मैथिली देवी सोनम कपूर से हुई है लेकिन अपने कठोर जिद्दी स्वभाव के कारण विजय को मैथिली और उसके भाई बहनों के साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनकी अमीर सौतेली बहने राजकुमारी चंद्रिका स्वरा भास्कर और राजकुमारी राधिका आशिका भाटिया शाही महल के बाहर एक अलग किराए के बंगले में रहती है और चंद्रिका एक नगर पालिका स्कूल में लेखा प्रमुख के रूप में काम करती है और उन्होंने विजय के खिलाफ मामला दर्ज कराया है शाही संपत्ति में हिस्सा क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी माँ एक कवि और बाद में दिवंगत राजा की रखेल के साथ रानी ने अन्याय किया था जब उसने राजा के सभी बच्चों की उपस्थिति में उन्हें अपमानित किया था इसके अलावा चंद्रिका और मैथिली जो स्कूल के समय में सबसे अच्छी दोस्त थी विजय के साथ उसकी सगाई के कारण उनकी दोस्ती टूट गई इसी तरह उनके सौतेले भाई युवराज अजय सिंह नील नितिन मुकेश प्रतिशोध की कसम खाते हैं और उन्हें मारकर ताज अपने लिए लेना चाहते हैं अपने प्रबंधक चिराग सिंह अरमान कोहली और विजय की सचिव समीरा समायरा राव की मदद लेता है चिराग हर कदम पर अजय को गुमराह कर रहा है और उसे धोखा दे रहा है विजय व मुश्किल अजय और चिराग द्वारा बनाई गई हत्या की योजना से बच जाता है लेकिन वह बुरी तरह घायल हो जाता है वह दो डॉक्टरों द्वारा बनाए गए एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ है इस बीच विजय के हम शकल प्रेमी रघुवंशी उर्फ प्रेम दिल वाले सलमान खान एक प्रेम गुरु एक दिलैर जीवंत और लापरवाह मंच अभिनेता जिसे राजकुमारी मैथिली से प्यार हो जाता है अपने दोस्त कन्हैया दीपक डोबरियाल के साथ उससे मिलने के लिए प्रीतमपुर पहुंचता है एक बस स्टॉप पर प्रीतमपुर पैलेस के सुरक्षा प्रमुख संजय दीपराज राणा ने उसे संयोग से देखा और उसे दीवान साहब अनुपम खेर के पास ले गया प्रेम और युवराज विजय के बीच आश्चर्यजनक समानता देखकर दीवान ने प्रेम को युवराज विजय की जगह लेने के लिए कहा जबकि युवराज कोमा से ठीक हो गया प्रेम युवराज विजय के रूप में कार्य करता है लेकिन अपने सरल देखभाल करने वाले स्वभाव के साथ वह मैथिली को प्रभावित करता है जो पहले विजय के साथ संबंध तोड़ना चाहती थी और अनजाने में प्रेम के प्यार में पड़ जाती है प्रेम विजय की बहनों को शाही महल में वापस लाकर उनके साथ मेल मिलाप करने का भी प्रयास करता है और शाही परिवार की सारी संपत्ति उन्हें सौंपने के लिए कानूनी दस्तावेज तैयार करता है उसकी सौतेली बहनें इस भाव से इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि मैथिली के थोड़े से दबाव से अंततः उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वे राजकुमार को उसके भाग्य से वंचित करने और उसकी बहनों के रूप में उसके साथ मेल मिलाप करने से इनकार कर देती हैं इस बीच युवराज अजय और चिराग को पता चलता है कि प्रेम केवल राजकुमार की भूमिका निभा रहा है और इस तरह वे असली विजय का अपहरण कर लेते हैं चिराग ने अजय को धोखा देने का फैसला किया क्योंकि उसने विजय को मुक्त कर दिया और उसे अजय और प्रेम के खिलाफ खड़ा करने के लिए झूठी जानकारी दी विजय और अजय तलवार की लड़ाई में शामिल हो जाते हैं जब प्रेम और कन्हैया हस्तक्षेप करते हैं और भ्रम को दूर करते हैं चिराग उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन गिर कर मर जाता है अजय को अपने किए पर पछतावा होता है और विजय उससे सुलह कर लेता है प्रेम के युवराज विजय ने ना होने की सच्चाई जानकर मैथिली हैरान हो जाती है जब प्रेम अपने घर वापस चला जाता है और उसका दिल टूट जाता है अंत में शाही परिवार प्रेम और मैथिली को फिर से मिलाने के लिए प्रेम के घर पहुंचता है और वे कन्हैया और समीरा के साथ खुशी खुशी शादी कर लेते हैं उत्पादन विकास जून 2013 में सलमान खान और सूरज भड़जातिया द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और फिल्म का प्री प्रोडक्शन काम जनवरी 2014 से होकर जून 2014 तक चला इसका नाम बड़े भैया था और बाद में से प्रसिद्ध हिंदू भजन से प्रेरित होकर प्रेम रतन धन पायो में बदल दिया गया मेरा भाई की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो हिमेश रेशम या भी मणिकंदन और संजय सांकला ने फिल्म में संगीतकार छायाकार और संपादक की भूमिका निभाई डलाई यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें प्रारंभ में अनुष्का शर्मा सोनाक्षी सिन्हा करीना कपूर डेजी शाह और दीपिका पादुकोण के प्रमुख महिलाओं की भूमिका निभाने की अफवाह थी और उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया अंततः सोनम कपूर को इस फिल्म में एक प्रमुख महिला की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया और उन्होंने 2007 में संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म सांवरिया के बाद खान के साथ अपनी दूसरी फिल्म की नील नितिन मुकेश अनुपम खेर अरमान कोहली दीपक डोबरियाल समायरा राव और स्वरा भास्कर को सहायक किरदार निभाने के लिए साइन किया गया था अमृता राव को खान की सौतेली बहन की भूमिका निभाने के लिए माना गया और उनकी भूमिका भास्कर को मिली इससे पहले राव ने विवाह में अभिनय किया था फिल्माने हज़ार दिनों की तैयारी के बाद 26 जून 2014 को फ़िल्मांकन शुरू हुआ और दो से दिनों की शूटिंग के बाद दो सितंबर 2015 को पूरा हुआ इसकी शूटिंग राजकोट गोंडल उदयपुर अथीरापल्ली फॉल्स और मुंबई में की गई थी इसे पूरे भारत में कई असाधारण स्थानों पर शूट किया गया था भव्य सेट से लेकर विस्तृत वेशभूषा तक प्रेम रतन धन पायो निसंदेह सभी दर्शकों के लिए एक आनंददायक दृश्य था फिल्म के निर्माताओं ने लार्जर देन लाइफ शीर्षक से फिल्म का एक बिहाइंड द सीन वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म में प्रीतमपुर का शाही महल अब तक बने सबसे बड़े सेटों में से एक है जो फैल गया था लगभग एक लाख वर्ग फुट फिल्म के प्रत्येक अभिनेता को प्रत्येक शॉट के भव्य होने के साथ फिल्म के भव्य पैमाने के बारे में बोलते हुए भी सुना जाता है प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन चंद्रकांत देसाई ने कहा कि हर तत्व में जान डालने की कोशिश की गई है मुक्त करना प्रेम रतन धन पायो को तमिल में मीम रनधेन पारायो देखे मैंने खुद को खो दिया है और तेलुगु में प्रेम लीला लव गेम्स के रूप में डब और रिलीज किया गया था आलोचनात्मक सिकारता इस लेख में बहुत अधिक या अत्यधिक लंबे उद्धरण हैं कृपया उदाहरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में सहायता करें सीधे उद्धरणों को विकी सुक्ति या अंशों को विकी सोर्स पर स्थानांतरित करने पर विचार करें बॉलीवुड हंगामा के तरन आदर्श ने फिल्म को पाँच में से साढ़े चार देते हुए कहा कि कुल मिलाकर पीआरडीपी पूरे परिवार के लिए दिवाली के लिए एक बेहतरीन मनोरंजक फिल्म है फिल्म को प्रचुर प्यार प्रेम मिलेगा जबकि इसके निवेशकों को फ़ायदा होगा धन इसे सभी संबंधित लोगों के लिए एक यादगार दिवाली बनाना टाइम्स ऑफ इंडिया की सृजना मित्रा दास ने फिल्म को पाँच में से साढ़े तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि पी, पी सलमान खान की जीत है और वह सिनेमाघरों में दौरी भूमिका के साथ धूम मचा देते हैं जो आपको हंसाता है हाँफता है आ भरता है रुलाता है उन्होंने सोनम कपूर दीपक डोबरियाल आशिका भाटिया और स्वरा भास्कर के अभिनय की भी सराहना की सिपीकी सोनिया चोपड़ा ने पाँच में से तीन स्टार रेटिंग देते हुए कहा कि फिल्म में खामियां हैं लेकिन अभिनेता सलमान खान की दोहरी भूमिका के साथ फिल्म निश्चित रूप से पारिवारिक दर्शकों के बीच सही जगह पहुँचेगी सी एन एन आई बी एन के राजीव मसंद ने फिल्म को पाँच में से तीन सितारों की रेटिंग देते हुए कहा कि निर्देशक ने उसी सफल फार्मूले का इस्तेमाल किया है जो उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में आजमाया था लेकिन अब रूपों में जंग लग गई है भावनाएं शायद ही कभी वास्तविक लगती है और लेखन पूरी तरह सतह स्तर का है उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिल्म की एकमात्र बचत सलमान खान की उपस्थिति है जो अच्छे फॉर्म में है इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को पाँच में से डेढ़ स्टार की कम रेटिंग दी इसे रामायण और इसकी लाखों कहानियों की पुनर्कल्पना कहा इसकी आलोचना करते हुए से निर्देशक की पिछली फिल्मों की पुरानी अतिरंजित पुनरावृत्ति कहा जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने फिल्म को केवल पाँच में से दो स्टार दिए इसे सीधे अस्सी के दशक की फिल्म कहा जो निर्देशक के उसी फार्मूले को दोहराती है लेकिन संगीत निर्देशक हिमेश रेशमी और मुख्य अभिनेता सलमान खान की सराहना करते हुए इसे काफ़ी पसंद करने योग्य बताया और उनकी कॉमिक टाइमिंग बेहतर हो गई फर्स्ट पोस्ट के अन्ना एम एम ने फिल्म को अधूरी बेजान कम बुद्धि वाली फिल्म के रूप में बताया जिसमें किशोर हास्य और पारिवारिक राजनीति है जो अब हिंदी फिक्शन टीवी पर चलने वाले सबसे सस्ते सास बहु धारावाहिकों की परिस्थितियों से मिलती जुलती है और उन कुछ गुणों का भी अभाव है जो उसके पहले के उपक्रमों को सहनीय बनाते थे रेडियो डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने फिल्म को पाँच में से ढाई स्टार रेटिंग देते हुए कहा पी आर डी पी भाई बहन के स्नेह पारिवारिक मूल्य और शर्मीले प्रेमालाप पर अपनी मान्यताओं पर कायम है और इस पर जोर देने के लिए एक लंबा रास्ता अपनाता है बॉक्स ऑफिस भारत प्रेम रतन धन पायो ने अपने शुरुआती दिन में चालीस करोड़ यूएस डॉलर पाँच मिलियन की कमाई की और बजरंगी भाईजान के पहले के रिकॉर्ड को तोड़कर साल की सबसे बड़ी ओपनर बन गई यह हैप्पी न्यू ईयर के बाद एक ही दिन में 40 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी सिनेमा की दूसरी फिल्म है पहले दिन फिल्म का सकल संग्रह पचपन करोड़ था जो भारत में सबसे अधिक है अपने दूसरे दिन फिल्म के व्यवसाय में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी गई क्योंकि इसने इकत्तीस करोड़ यूएस डॉलर तीन पॉइंट नौ मिलियन का शुद्ध संग्रह किया जो अब तक का सबसे अधिक गैर अवकाश वाला दूसरा दिन था फिल्म ने अपने तीसरे दिन तीस पॉइंट जीरो सात करोड़ यूएस डॉलर तीन पॉइंट आठ मिलियन की कमाई की जो अब तक का सबसे अधिक गैर अवकाश वाला तीसरा दिन है जिससे इसकी तीन दिन की कुल कमाई एक सौ एक पॉइंट सैंतालीस करोड़ हो गई यह फिल्म लगातार तीन दिनों में सौ करोड़ यू डॉलर तेरह मिलियन से अधिक की कुल कमाई की जिससे इसके विस्तारित शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई एक करोड़ यूएस डॉलर 16 मिलियन हो गई जो किसी हिंदी फिल्म के लिए चार दिनों में सबसे अधिक कमाई है बजरंगी भाईजान और धूम तीन के पिछले रिकॉर्ड फिल्म ने अपने पाँचवें दिन में गिरावट दर्ज की और तेरह करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने छठे दिन फिल्म ने बारह पॉइंट जीरो चार करोड़ का शुद्ध संग्रह किया जिससे छः दिन की कुल कमाई एक सौ पचपन पॉइंट करोड़ हो गई और लाइफटाइम लाइफ टाइम कलेक्शन को पछाड़ कर यह वर्ष की दूसरी सबसे बड़ी कमाई बन गई तनु वैट्स मनु रिटर्न्स फिल्म ने अपने सातवें दिन दस पॉइंट जीरो टू करोड़ की कमाई की जिससे उसकी सात दिन की कुल कमाई एक सौ पैंसठ पॉइंट पैंतालीस करोड़ हो गई और इसने केक और चेन्नई एक्सप्रेस के पहले सप्ताह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया फ़िल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार और शनिवार को क्रमशः पाँच पॉइंट पचास करोड़ छः पॉइंट सत्तर करोड़ का शुद्ध संग्रह किया अपने दूसरे रविवार को फिल्म ने एट पॉइंट टू जीरो करोड़ की कुल कमाई की जिससे दूसरे सप्तान की बात की कुल कमाई एक करोड़ यू एस डॉलर चौबीस मिलियन हो गई फिल्म ने अपने दूसरे बुधवार को कुल सौ एक पॉइंट बावन करोड़ का कलेक्शन किया और इस तरह सलमान खान की दूसरी फिल्म बजरंगी भाईजान के बाद दो सौ करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली साल की दूसरी फिल्म बन गई फिल्म ने अपने तीसरे सप्तान में तीन पॉइंट दस करोड़ यू एस डॉलर तीन लाख नब्बे हजार की कमाई की जिससे इसकी कुल कमाई दो सौ छः पॉइंट तिरसठ करोड़ यू एस डॉलर छब्बीस मिलियन हो गई प्रवासी फिल्म ने विदेशों में अपने पहले दिन एक पॉइंट छः मिलियन डॉलर दस पॉइंट बासठ करोड़ की कमाई की फिल्म की दो दिनों की कुल कमाई डॉलर तीन पॉइंट सत्तासी मिलियन थी फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अपने पहले चार दिनों में डॉलर एट पॉइंट नौ मिलियन की कमाई की प्रेम रतन धन पायो से एकल एक प्रेम लीला रिलीज सात अक्टूबर 2015 फिल्म के संगीत अधिकार टी सीरीज़ को 17 करोड़ में बेचे गए जिससे उस समय बॉलीवुड फिल्म उद्योग में सबसे महंगा संगीत अधिकार सौदा बन गया प्रेम रतन धन पायो का पूरा संगीत एल्बम दस अक्टूबर 2015 जार को जारी किया गया था संजय चौधरी ने मूल पृष्ठभूमि स्कोर तैयार किया था जबकि रेशमिया को उनके गीतों पर थीम आधारित स्कोर के लिए श्रेय दिया गया था सभी गीत इर्षाद कामिल द्वारा लिखे गए हैं सारा संगीत हिमेश रेशमिया द्वारा रचित है अहमियता भरा जवाब रेडिप डॉट कॉम की समीक्षक एलिना कपूर ने एल्बम को पाँच में से साढ़े तीन स्टार देते हुए कहा कि प्रेम रतन धन पायो का संगीत अच्छा है इसमें एक मजबूत पारंपरिक स्वाद है एक पारिवारिक एहसास है और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा फिल्म निर्माता ने आदेश दिया था बॉलीवुड हंगामा के जोगिंदर टुटेजा ने एल्बम को पाँच में से साढ़े चार अंक दिए और कहा कि हिमेश रेशमिया ने अपने संगीत करियर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और साउंड ट्रैक उन भारी उम्मीदों से अधिक है जो इससे थी उन्होंने एल्बम को शानदार बताया और इरशाद कामिल के गीतों की सराहना की टाइम्स ऑफ इंडिया के काश्मीन फर्नांडिस ने एल्बम को पाँच में से चार दी और सराहना की कि फिल्म का संगीत सुखद है और उन्नीस के दशक के उल्लासपूर्ण गीतों की याद दिलाता है हालांकि उन्हें इर्शाद कामिल के गीत बहुत पसंद आए समीक्षक आर एम विजयकर ने इंडिया वेस्ट के लिए अपनी समीक्षा में साउंड ट्रैक को पाँच में से साढ़े तीन अंक दिए उन्होंने संक्षेप में कहा कि आज की भ्रष्ट प्रवृत्तियों के खिलाफ गहरी और समृद्ध भारतीय धुन अच्छी कविता और विषयगत तत्वता प्रदान करने में सास और दृढ़ विश्वास के लिए यह स्कूल होसनस का हकदार है उन्होंने यह भी बताया कि यह एल्बम बिल्कुल शुद्ध है जिसमें कोई कठिन शब्द पश्चिमी बीट्स रैप और कई संगीत निर्माता नहीं है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के लिए अपनी आलोचनात्मक समीक्षा में विपिन नायर ने एल्बम को दस में से साढ़े छः अंक दिए उन्होंने कहा कि यह एल्बम नब्बे के दशक की बॉलीवुड धुनों को पसंद करने वाले लोगों के बीच हिट हो सकता है हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि यह थोड़ा पुराना है कोईमोई डॉट कॉम के लिए सुरबी रेडकर ने एल्बम को पाँच में से दो सितारों की कम रेटिंग देते हुए कहा कि साउंड ट्रैक दृश्यों के साथ बेहतर हो सकता है दोहरी भूमिका जिसे दोहरी भूमिका के रूप में भी जाना जाता है का तात्पर्य एक अभिनेता द्वारा एक ही प्रोडक्शन में दो भूमिकाएं निभाने से है दोहरी भूमिकाएं या एक अभिनेता के लिए बड़ी संख्या में भूमिकाएं जानबूझकर एक स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती हैं या इसके बजाय उत्पादन के दौरान चुना गया विकल्प हो सकता है अक्सर कम बजट के कारण फिल्म और टेलीविजन में दोहरी भूमिकाओं का उपयोग अक्सर हास्य प्रभाव के लिए या समान जुड़वा बच्चों या रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए किया जाता है किसी नाट्य प्रस्तुति में जहां एक से अधिक अभिनेता कई किरदार निभाते हैं उसे कभी कभी आयरन मैन कलाकार के रूप में जाना जाता है रंगमंच थिएटर में कई भूमिकाओं का उपयोग बजट संबंधित हो सकता है इसका उद्देश्य कुशल अभिनेता को अधिक मंच समय या अधिक चुनौती देना हो सकता है या कहानी के लिए विषयगत महत्व हो सकता है ऐसे निर्णय की ओर ले जाने वाले कारकों का संयोजन अक्सर अज्ञात रह जाता है उदाहरण के लिए विलियम शेक्सपियर की दोहरी भूमिकाओं के उपयोग के महत्व पर बहस मौजूद है जिसमें एक उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि क्या किंग लियर में कॉर्डेलिया और फूल के पात्रों का इरादा एक ही था या क्या रहस्यमय तीसरा हत्यारा था मैकबैथ वास्तव में स्वयं मैकबैथ है टॉम स्टॉपर जैसे बेतुके लोगों के कार्यों में एक ही अभिनेता द्वारा निभाए गए पात्र अक्सर विषयगत महत्व होते हैं संगीत में हेमिल्टन में चार अभिनेताओं अभिनेत्रियों को दोहरी भूमिकाओं में रखा गया है प्रत्येक एक प्रमुख सहायक चरित्र है पहले और दूसरे अभिनय के बीच भूमिकाओं में बदलाव होता है जॉन लॉरेंस फिलिप हैमिल्टन, लॉफ़ायर, थॉमस जेफरसन और हरक्यूलिस मुलिगन जेम्स मेडिसन की भूमिका निभाने वाले अभिनेता शुरुआती गीत अलेक्जेंडर हैमिल्टन में एक जैसी सफ़ेद पोशाक पहनते हैं और उन्हें जानबूझकर दोहरे अर्थ वाली पंक्तियां दी गई थी जो उनके दोहरे अर्थ में फिट बैठती हैं द ज्यूरी ऑफ फैट दो में मोबल टेलीफेरों ने जुड़वा भाई और बहन की भूमिका निभाई है जहाँ भाई के मारे जाने के बाद बहन उसकी जगह लेती है फिल्म यह भी देखें उन अभिनेताओं की सूची जिन्होंने एक ही फिल्म में कई भूमिकाएँ निभाई हैं ली मार्विन ने कैट उन्नीस 1965 में दोहरी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अकेडमी पुरस्कार जीता एडेप्टन 2002 में दोोरी भूमिका के लिए निकोलस केज को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था डॉक्टर स्ट्रेंजे लोव उन्नीस में तेरी भूमिका के लिए पीटर सैलर्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था कुछ कम बजट की फिल्मों में पैसे बचाने के लिए अभिनेताओं को एक से अधिक भूमिकाओं में लिया गया तमिल अभिनेता कमल हासन पंद्रह से अधिक फिल्मों में कई भूमिकाओं में आ गए और अजीत कुमार ने सात फिल्मों में दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं एकाधिक कास्टिंग में अक्सर एक ही परिवार के कई सदस्यों के रूप में एक अभिनेता की कास्टिंग शामिल होती है फिल्म निर्माता गोविंद निलानी के अनुसार 1970 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड फिल्म में जीवित डबल होना अपने आप में लगभग एक शैली बन गया राम और श्याम में दिलीप कुमार ने दो भाइयों की भूमिका निभाई जो अपने जन्म के तुरंत बाद अलग हो जाते हैं सीता और गीता इस कथानक उपकरण के एक महिला संस्करण का उपयोग करती है जिसमें हेमा मालिनी ने दो अलग बहनों के रूप में अभिनय किया शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित अंगूर में संजीव कुमार और देवेंद्र शर्मा ने दोहरी भूमिका निभाई थी एंथिरन दो में जो उस समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी रजनीकांत ने दोहरी भूमिका निभाई है जिसमें दो मुख्य पात्र एक वैज्ञानिक और उनके द्वारा बनाया गया है रोबोट शामिल है टेलीविजन में सोप ओपेरा आमतौर पर इस तकनीक का उपयोग या तो जुड़वा बच्चों या यहाँ तक कि समान दिखने वाले रिश्तेदारों को चित्रित करने के लिए करते हैं या किसी ऐसे अभिनेता को वापस लाने के लिए करते हैं जिसका चरित्र मारा गया है उदाहरण के तौर पर डैनिस क्रॉसबी के चरित्र ताशा या को स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन के पहले सीजन में मार दिया गया था और तीसरे सीज़न में क्रॉस भी को वापस लाने के लिए एक और चरित्र बनाया गया सोनम कपूर आहूजा जन्म नौ जून उन्नीस एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों में काम करती है उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और 2012 से 2016 तक वह अपनी आय और लोकप्रियता के आधार पर फोबर्स इंडिया की सेलिब्रिटी शो सूची में शामिल हुई अभिनेता अनिल कपूर की बेटी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म निर्माता संजय लीला बंसाली की 2005 की फिल्म ब्लैक में सहायक निर्देशक के रूप में की उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बंसाली की रोमांटिक ड्रामा सांवरिया दो से की जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज 2010 से उन्हें पहली व्यावसायिक सफलता भी मिली इसके बाद व्यावसायिक असफलताओं और दोहराव वाली भूमिकाओं की एक श्रृंखला आई जिससे उन्हें नकारात्मक समीक्षा मिली 2013 की बॉक्स ऑफिस हिट रंजना ने कपूर के करियर में एक महत्वपूर्ण तो मोड ला दिया जिससे उन्हें कई पुरस्कार समारोहों में प्रशंसा और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला कपूर को उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलताएं बायोपिक्स भाग मिल्खा भाग 2013 और संजू 2018 में सहायक भूमिकाएं और रोमांस प्रेम रतन धन पायो दो में प्रमुख भूमिका के साथ मिली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में अंतिम दो स्थान पर है 2016 की जीवनी थ्रिलर फिल्म नीरजा में नीरजा भनोट के उनके प्रशंसित किरदार ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया और इसके बाद उन्होंने 2018 की महिला मित्र फिल्म वीरे वेडिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाई ये दोनों सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला प्रधान हिंदी फिल्मों में शुमार है इसके बाद दो महिला प्रधान फिल्मों को खराब प्रतिक्रिया मिली और एक अंतराल आया कपूर स्तन कैंसर और एल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का समर्थन करते हैं मीडिया में अपने मुखर व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली उन्हें अक्सर भारत की सबसे फैशनेबल हस्तियों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है उन्होंने बिजनेसमैन आनंद आहूजा से शादी की है जिनसे उनका एक बेटा है प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि सोनम कपूर और उनके पिता अनिल कपूर कैमरे के, के लिए पोज देते हुए 2011 में मुंबई में एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान कपूर अपने पिता अनिल कपूर के साथ कपूर का जन्म नौ जून उन्नीस को चेंबूूर बॉम्बे वर्तमान मुंबई में हुआ था उनके पिता अभिनेता और निर्माता अनिल कपूर हैं जो दिवंगत फिल्म निर्माता सुरेंद्र कपूर के बेटे और अनिल कपूर फिल्म्स के संस्थापक हैं उनकी मां सुनीता एक पूर्व मॉडल और डिजाइनर है कपूर के दो छोटे भाई बहन हैं फिल्म निर्माता रिया और भाई हर्षवर्धन वह फिल्म निर्माता बोनी कपूर और अभिनेता संजय कपूर की भतीजी है अभिनेत्री श्रीदेवी और निर्माता मोना शोरी बोनी की पत्निया उनकी मौसी थी कपूर के चचेरे भाई अभिनेता अर्जुन कपूर जानवी कपूर खुशी कपूर और मोहित मारवाए और मामा के दूसरे चचेरे भाई अभिनेता रणवीर सिंह है जब कपूर एक महीने के थे तब परिवार जुहू के उपनगर में चला गया उनकी शिक्षा जुहू के आर्य विद्या मंदिर स्कूल में हुई जहां उन्होंने एक शरारती और लापरवाह बच्ची होने की बात कबूल की जो लड़कों की धमकाती थी उन्होंने रूबी और बास्केटबॉल जैसे खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कथक शास्त्रीय संगीत और लैटिन नृत्य में प्रशिक्षण लिया कपूर जो हिंदू धर्म का पालन करती है कहती है कि वह काफ़ी धार्मिक और यह खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि मुझे इसके लिए आभारी होने की ज़रूरत है कपूर की पहली नौकरी पंद्रह साल की उम्र में वेट्रेस के रूप में थी हालांकि यह केवल एक सप्ताह तक चली एक किशोरी के रूप में अपने वजन से जूझती थी मुझे वजन से संबंधित हर समस्या थी जो मुझे हो सकती थी मैं अस्वस्थ थी मेरी त्वचा तो अच्छा खराब थी और मेरे चेहरे पर बाल उगाए थे कपूर को इंसुलिन प्रतिरोध और पॉलिस्टिकिम ग्रंथि रोग का पता चला था और तब से उन्होंने मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल शुरू की कपूर ने अपनी प्री यूनिवर्सिटी शिक्षा के लिए सिंगापुर में यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने थिएटर और कला का अध्ययन भी किया जीवन और पेशा प्रारंभिक कार्य और संघर्ष दो तो हजार सात से दो हजार बारह ब्लैक के निर्माण के दौरान कपूर को अभिनय में रुचि तब विकसित हुई जब बंसाली ने कहा कि वह उन्हें अपनी अगली फिल्म सावरिया में मुख्य भूमिका में लेना चाहते हैं उसे वजन कम करने की सलाह दी गई उस समय उसका वजन लगभग 80 किलोग्राम 180 पाउंड था अपने ऊपर बंसाली के विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने दो वर्षों में 35 किलोग्राम 77 पाउंड वजन कम किया कपूर में रोशन तनेजा जयती भाटिया और फिरोज अब्बास खान के साथ अभिनय का अध्ययन किया और उन्होंने अभिनेत्री वहीदा रहमान और नूतन को प्रभाव के रूप में उद्धृत किया उनकी पद प्रदर्शक फिल्मों की प्रशंसा की सलमान खान सोनम कपूर रणबीर कपूर और रानी मुखर्जी स्टेज पर खड़े हैं 2007 में अपनी पहली फिल्म सांवरिया के ऑडियो लॉन्च पर कर रणबीर कपूर रानी मुखर्जी और सलमान खान के साथ कपूर 2007 में रिलीज़ हुई सांवरिया में कपूर ने एक मुस्लिम महिला की भूमिका निभाई जो मुखर्जी रणबीर कपूर और सलमान खान के साथ अपने प्रेमी की वापसी का इंतजार कर रही थी यह हॉलीवुड स्टूडियो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित पहली भारतीय फीचर फिल्म थी सावरिया एक बड़ी आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता साबित हुई बीबीसी के लिए लिखते हुए जसप्रीत पंडोहर ने फिल्म को बड़े पैमाने पर मिसफायर कहा रेडिव डॉट कॉम के राजा सेन ने उसकी हंसी को लगभग उसके पिता की तरह ही संक्रामक बताया लेकिन कामना की कि उसे उस पर स्पष्ट रूप से अतिरंजित प्लास्टिक हंसी चिपकाने के बजाय धीरे से शांत होने की अनुमति दी गई थी इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार और कल के सुपरस्टार महिला के लिए स्टार डस्ट पुरस्कार मिला 2009 में कपूर ने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित सामाजिक नाटक दिल्ली छः में वहीदा रहमान और अभिषेक बच्चन के साथ एक महत्वाकांक्षी गायक की भूमिका निभाई फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर असफल रही सी एन एन आई बी एन के राजीव मसन ने कपूर को एक रहस्योद्घाटन के रूप में संदर्भित किया उन्होंने लिखा कि वह एक पटाखा सहज और पारंपरिक महिला नेतृत्व में भी बेहिचक थी सिफी की सोनिया चोपड़ा ने कपूर को एक गंभीर और सहज कलाकार के रूप में वर्णित किया और ठेठ दिल्ली लड़की नुस्खा के बावजूद उनके चरित्र को पसंद करने योग्य पाया 2010 में कपूर की पहली रिलीज़ इमरान खान के साथ पुनित मल्होत्रा की रोमांटिक कॉमेडी आई हेट लव स्टोरीज़ थी उन्होंने एक व्यस्त महिला की भूमिका निभाई जो अपने प्रतिबद्धता फैब्रिक सहकर्मी के प्रति एक तरफा आकर्षण विकसित करती है खान ने कपूर की कला के बारे में कहा हम एक दृश्य को कई कोणों से शूट करेंगे तीन या चार घंटे तक आपकी दृश्य एक ही पंक्तियों पर रहे और यहाँ यह व्यक्ति कपूर है जो अपने काम में निरंतरता लाता है उसके बात करने के तरीके से लेकर उसके उच्चारण तक हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस की शुभ्रा गुप्ता ने कपूर के प्रदर्शन को कड़ा और पूर्वाभ्यास कहा डेली न्यूज एंड एनलिस्ट जॉनसन थॉमस ने उन्हें पसंद करने योग्य और विश्वसनीय पाया कपूर ने अगली बार आयशा में नामांकित भूमिका निभाई जो जैन ऑस्टेन के उपन्यास एम्मा पर आधारित एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा थी जिसका निर्माण उनकी बहन ने किया था उन्होंने अपने किरदार का वर्णन मग्नी करने और कामदेव का किरदार निभाने के जुनून के साथ एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में किया आयशा में अभय इरा दुबे सायरस साहूकार अमृता पुरी तिवारी अरुणोदय सिंह और लिसा हेडन भी थे एक इंडो एशियन न्यूज सर्विस समीक्षक ने सोचा कि कपूर ने अपने प्रदर्शन के साथ समूह में अलग पहचान बनाई है जिससे एक भारतीय अग्रणी महिला के लिए बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा बनना एक दुर्लभ अवसर है जो विक्टोरियन रीति रिवाजों और दिल्ली के अभिजात्य प्रभाव को सलाम करता है एक क्लीन कूल स्वीप 2011 में कपूर ने थैंक यू में अभिनय किया जो तीन महिलाओं के बारे में एक कॉमेडी थी जो अपने लुटेरे पतियों को सबक सिखाती है कपूर के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म को खराब समीक्षा मिली टाइम्स ऑफ इंडिया की निकट काजमी ने उन्हें बेहद ख़राब कहा इसके बाद उन्हें पंकज कपूर द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा मौसम में शाहिद कपूर की रोमांटिक भूमिका निभाई जिसे भी खराब प्रतिक्रिया मिली उनकी अभिन्न क्षमता के बारे में संदेह के बावजूद एन टी के आलोचक साबल चटर्जी ने सोचा कि कपूर ने हमेशा के लिए दबाव में रहने वाली एक लड़की की आवश्यकता भेदता को व्यक्त किया है जो स्त्री की नाजुकता और मूल संकल्प का सही मिश्रण सामने लाती है अगले वर्ष कपूर ने अब्बास मस्तान द्वारा निर्देशित डकैती फिल्म फ्लेयर्स, जो 2003 की द इटैलियन जॉब की रीमेक थी में अभिषेक बच्चन नील नितिन मुकेश और विपाशा बसु के साथ एक कंप्यूटर हैकर की भूमिका निभाई उनकी भूमिका मूल रूप से कैटरीना कैफ के लिए लिखी गई थी जो फिल्म के लिए उपलब्ध नहीं थी हालांकि पत्रकारों को बहुत उम्मीदें थीं लेकिन यह व्यावसायिक रूप से विफल रही और रेडिफ डॉट कॉम की सुकन्या वर्मा ने अपमानजनक टिप्पणी की, की कि कपूर स्वर्ण पदक विजेता है करके रूप में खुद को पेश करने की बचकानी कोशिश से वास्तव में मनोरंजन करती है कपूर की खराब प्रतिक्रिया वाली फिल्मों का सिलसिला उनके करियर में बाधा डालने लगा रांझणा के साथ स्थापना 2013 से 2015 आनंद एल रॉय द्वारा निर्देशित रोमांटिक ड्रामा दो 2013 में कपूर की भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई नीति सैगल ने इसे द इंडियन एक्सप्रेस में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया कपूर की भूमिका वाराणसी की एक युवा मुस्लिम छात्रा जोया हैदर से की थी जो अपने सिख प्रेमी की हत्या के बाद राजनीति में आ जाती है अपने हिस्से की तैयारी के लिए कपूर ने छात्रों के साथ बातचीत की कार्यशालाओं में भाग लिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से जुड़े थिएटर समूह के साथ अभ्यास किया दो में एक प्रमोशनल इवेंट में शिरकत करती सोनम कपूर कपूर दो में झलक दिखला पर रांझणा का प्रचार कर रहे थे रांझणा की सफलता के बाद कपूर ने एथलीट मिल्का सिंह की बायोपिक भाग मिल्खा भाग 2013 में एक संक्षिप्त भूमिका निभाई 300 मिलियन यूएस डॉलर 3.8 मिलियन के बजट पर बनी इस फिल्म के लिए उन्हें रुपए ग्यारह फोर्स यूएस प्राप्त हुए उन्होंने निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के प्रति उनकी प्रशंसा और फिल्म में उनकी उपस्थिति का कारण बताया समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाग मिल्खा भाग साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी समीक्षा सरिता ए तनवर ने अपनी समीक्षा में लिखा कि अपनी छोटी भूमिका के बावजूद कपूर मिल्खा के लिए आदर्श गर्म जोशीपूर्ण समकक्ष साबित हुए रांझणा और भाग मिल्खा भाग दोनों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामांकन के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला जिनमें से बाद वाली ने जीत हासिल की 2014 में कपूर ने यशराज फिल्म्स की कॉमेडी ड्रामा बेवकूफ़ियाँ में आयुष्मान खुराना और ऋषि कपूर के साथ बैंकर मायरा सहगल की भूमिका निभाई यह भूमिका फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा को खराब तरीके से लिखी गई और कठिन चढ़ाई वाली लगी उन्होंने अगली बार फवाद खान के साथ रोमांटिक कॉमेडी खूबसूरत में अभिनय किया जो उन्नीस में सी नाम की फिल्म का रूपांतरण था जिसमें वह भूमिका निभाई गई थी जो मूल रूप से रेखा को दी गई थी हालांकि उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला आलोचकों की प्रतिक्रिया विभाजित थी राइटर्स की शिल्पा जमखंडीकर ने उन्हें जोरदार और चिड़चिड़ा कहा और न्यूयॉर्क टाइम्स के एंडी वेबस्टर ने उनकी तुलना एक अभिनेत्री से की जुवा एनी हैथवे और उसकी जूलिया रॉबर्ट्स जैसी मुस्कान पर प्रकाश डाला उस वर्ष बाद में वह एक सोशल मीडिया नेटवर्क पर उद्यमी मॉडल साहिर बैरी से मिली और उनके साथ एक रोमांटिक रिश्ता शुरू किया हालांकि कुछ महीने बाद वे टूट गए 2015 में कपूर ने डोली की डोली में एक भगोड़ी दुल्हन की भूमिका निभाई जो एक डकैती वाली कॉमेडी थी जिसमें पुलकित सम्राट राजकुमार राव और वरुण शर्मा सहायक कलाकार थे मिंट की उदिता झुंझुनू वाला ने फिल्म में कपूर के प्रदर्शन की आलोचना करते हुए लिखा कि उनकी सीमा एक ऐसे चरित्र को जीवंत करने के लिए बहुत सीमित है जिसमें कागज पर ढेर सारी संभावनाएँ हो सकती है शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कपूर लगभग हर फ्रेम में और उन्हें सभी को भरना चाहिए लेकिन चरित्र का उपचार उनकी सीमाओं को दर्शाता है उनके प्रदर्शन के लिए नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था फरवरी 2015 में गुजरात के गोंडल में सलमान खान के साथ सूरज और बड़जातिया की प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग के दौरान कपूर को स्वाइन इन्फ्लुएंजा का पता चला जिससे वह अगले महीने ठीक हो गई कपूर ने राजकुमारी मैथिली देवी की भूमिका निभाई जो प्यार की तलाश में एक राजकुमारी थी यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई राशि के रूप में उनकी विश्वसनीयता के लिए रचित गुप्ता ने उनकी प्रशंसा की और कोमल नाइटा ने सोचा कि यह भूमिका उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी हालांकि उन्होंने सबसे ख़राब अभिनेत्री का गोल्डन कैला पुरस्कार जीता महिला प्रधान फिल्म में और शादी 2016 से 2018 2016 में निर्जा के लिए कार्यक्रम में कपूर फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता कोल्ड प्ले के ह्यूमन फॉर द वीकेंड बी ऑन से अभिनीत के संगीत वीडियो में उपस्थिति के बाद कपूर ने राम माधवानी की जीवनी थ्रिलर मीरजा दो हजार सोलह में अभिनय किया उन्हें उसी नाम की एयर होस्टेस नीरजा भनोट की भूमिका में लिया गया था जिनकी उन्नीस सौ छियासी में अपन फैनम फ्लाइट तिहत्तर के यात्रियों को बचाने के दौरान मृत्यु हो गई थी कपूर ने परियोजना के प्रति जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि यह वास्तविक घटनाओं के बारे में है और तैयारी के तौर पर उन्होंने भनोट के परिवार से मुलाकात की उसकी भूमिका के लिए फिल्म को काफ़ी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और कई टिप्पणीकारों ने कपूर के प्रदर्शन को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना राजा सेन ने उनके प्रदर्शन को करियर परिभाषित करने वाला पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स के रोहित वत्स ने लिखा है कि फिल्म को पूरी तरह से अपने कंधों पर रखती है वह ईमानदार डरी हुई परोपकारी और साहसी दिखती है सभी एक ही समय में सेन ने कपूर को 2016 में हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सूचीबद्ध किया जबकि राजीव मसंद ने उन्हें अपनी वार्षिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों की गोलमेज बैठक में आमंत्रित किया कई अन्य प्रशंसाओं के अलावा कपूर ने एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार स्पेशल मेंशन और एक फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के नामांकन के अलावा एक फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामांकन भी जीता स्क्रीन से दो साल की अनुपस्थिति के बाद कपूर ने आर बालकी की कॉमेडी ड्रामा पैडमैन 2018 में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाई जो ट्विंकल खन्ना की किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद की एक छोटी कहानी पर आधारित थी अक्षय कुमार और राधिका आप्टे अभिनेत्री फिल्म अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन से प्रेरित है जिन्होंने ग्रामीण भारत में मासिक धर्म स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था कपूर ने कहा कि भूमिका की लंबाई उनके लिए बहुत कम महत्व रखती है जब तक कि फिल्म सिर्फ फिल्मों में अच्छा समय बिताने से परे प्रासंगिक है 8 मई 2018 को कपूर ने मुंबई के बांद्रा में एक पारंपरिक सिख समारोह में भारतीय व्यवसायी आनंद आहूजा से शादी की अगले महीने उन्होंने शशांक घोष की वीर वेडिंग में अभिनय किया जो एक महिला मित्र फिल्म थी जिसमें करीना कपूर स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया सह सा कलाकार थी द हिंदू की नम्रता जोशी ने फिल्म को फॉर्मूलाबद्ध और घिसा पिटा पाया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की श्वेता कौशल ने सोचा की फिल्म में शैली है लेकिन कोई आत्मा नहीं है और कपूर के प्रदर्शन से आंशिक रूप से प्रभावित हुई रुपए एक पॉइंट चौंतीस बिलियन यूएस डॉलर सत्रह मिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह फिल्म उनकी दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई करियर में उतार चढ़ाव और अंतराल 2019 में कपूर ने आने वाली फिल्म में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा सोनम के आहूजा के रूप में अभिनय किया जिस